जिसको यहां से ड्राइव करना होता है ना वो 12 जीतता है। यहां से ड्राइव करने का मतलब आपकी कॉपी में भले मैं 50 चीजें लिखवा दूं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता माने नहीं बनता, और अगर आपसे क्वेश्चन बनता है आपकी कॉपी में भले मैंने 0 लिखाया हो और आपसे क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन बनता है, दैट्स इट। सारी कहानी इसी पे ड्राइव होगी, पूरी कहानी लास्ट तक अपनी, है ना। तो ये छोटी बात जरूर है लेकिन आपको ध्यान रखनी है। आवाज आई? नहीं आई? अभी भी नहीं आई? आ रही है? अब आई है ना। हाँ तो मैं कह रहा हूं, तो ये छोटी सी बात है लेकिन अपने को ध्यान रखनी है ये छोटी बात, कि जितना होना चीजें याद रखें। चैप्टर ही ऐसा है जैसे केमिस्ट्री में जीओसी होता है। अगर भाई दिवे किसी बल्ब को जीओसी नहीं आता तो पीछे का एल्कीन एल्काइन मतलब कीटोन वीटोन कुछ भी पढ़ ले हो उसको हवा भी नहीं लगी क्या पढ़ रहा हो। जिसको जीओसी आता है उसको सब आता है। कहानी पकड़ मारी आपको? बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल। जिसको मतलब अगर भाई दिवे अपनी कहानी के अंदर एंट्री करें ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर भाई दिवे हमने गॉस लॉ से चीज सही पकड़ी है ना, तो उसका मतलब आप लास्ट तक सही पकड़ दे जाओगे। अब आपने अगर फर्स्ट 4-5 चीजें स्किप कर दी तो फिर लास्ट तक आप छोड़ते जाओगे। क्यों? क्योंकि हर बार आदमी वहीं पहुंचेगा यार वहां सिखाया था ना। वैसा ही है फंक्शन। फंक्शन बिल्कुल वैसे ही डील करेगा आपके साथ में। फंक्शन अद्भुत चैप्टर है साहब। वापस से बात करता हूं है ना, इसकी तो तारीफ। खैर हम लोगों ने पिछली बार जो बात करी थी, आपको 4 क्वेश्चन दिए थे याद हो तो, 5 दिए थे क्या? बिल्कुल उसी बात में बात छेड़ूंगा एक बार। फिलहाल पुरानी बातें जरूर अपन याद करते चलें, वो भूले नहीं, ठीक है। जितना भी एक बार के लिए रिव्यू जरूरी है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है रिव्यू, ठीक है। पहली चीज अगर आपको याद हो रिव्यू के अंदर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट है ना, पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि रिव्यू के अंदर क्या आप अभी भी भूले हैं या याद है x माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 3 की होल पावर 4 अपॉन में नीचे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आपको याद है या भूल गए? ऑड पावर ब्रैकेट, नंबर लाइन, फोन कॉल, फिर प्लस माइनस, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव चुनना। क्रम से याद है? सेकेंड बात हो, क्या आप सोच पाते हैं? कितने ब्रैकेट सुनते ही किसकी और फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यूज में? वैल्यूज क्या क्या है? आंसर क्या बोलू? 4 और उधर से कितना? 2। क्लिक करता है आपको? अच्छा अब थोड़ा और चीजों को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। क्या आपको यह चीज समझ में आती है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल क्यूब, x माइनस 5 की होल पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्या क्या समझा रहा हूं। पॉजिटिव भाग गया स्क्वायर है, पॉजिटिव भाग गया, भाग गया, भागते ही कौन रह गया? हो में x माइनस 2, लेकिन ध्यान रखना 2 पे 0 बन रहा है, याद है ना? 2 पे 0 बन रहा है और 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब मैंने 2 को काउंट कर रखा है मन में, बाकी पॉजिटिव था इसलिए भगा दिया। दूसरा ये कभी नहीं बात करी अपन ने, नए एंगल पे लेके चल रहा हूं। बचा कौन रह गया? x माइनस 4 की होल पावर 3, x माइनस 5 की होल पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैं बता रहा हूं ना, अपन ने काउंट करके रख लिया कि x जो है वो 2 चलेगा। दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, छोटा तरीका, ठीक है। नहीं मैंने कभी ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं समझाया आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसी बातों में याद दिला रहा हूं, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अपन अपने तरीके चलेंगे, है ना। उस तरीके से तो आ ही जाएगा आपका आंसर। आंसर लाना है तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो नया तरीका सिखा रहा हूं। पॉजिटिव है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे लेस देन इक्वल टू 0 होगा, होगा तो मैंने 2 उधर लिख दिया कि 2 तेरे को तो याद रखेंगे। अब रही बात दोनों की ऑड पावर ब्रैकेट दी, ऑड पावर के ब्रैकेट को पकड़ लिया अपने, राइट है। कितने लोगों को लगता है कि इसमें इसका मतलब होता है 2+1 होता है? तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4, जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है वो फिर से क्या कौन रह गया? x माइनस 4 रह गया कि नहीं रह गया? हाँ है ना। अच्छा इधर x माइनस 5 का मतलब होता है 4+1, तो 4
पॉजिटिव भाग्या कौन पकड़ में, सिंपल चलो ना, क्या तकलीफ है। सिंपल रास्ता एकदम सीधा सीधा लेके जाता है, पांच पैर और चार पे, याद है आपको। फिर आपके पास फॉर्म कॉल आएगा x = 2 इवन पे, याद है आपको। और इवन होते x = 2 होते ही जीरो पकड़ में आएगा, जीरो लेस देन जीरो ट्रू या फॉल्स, ये तो ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो टू पे ब्लैक बॉल, शामिल होने का आश्वासन, राइट है। फिर आएगा प्लस माइनस, प्लस प्लस सोच लिया, और लेस देन जीरो किसको चुनवाएगा, माइनस को, और माइनस कहां से कहां के बीच, 4 to 5। तो आंसर हो गया 4 to 5 यूनियन 2। उल्टा आप इस रास्ते जल्दी पहुंचे, समझ रहे हैं आप। वो आपको सिर्फ चमत्कार देने के लिए, झांकी, अरे वाह क्या छोटा रास्ता, ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, अरे कुछ गायब नहीं हुआ भाई, है ना, सब वही है। आप बस अपने रास्ते पे यकीन रखो। एक पॉइंट आगे चलो, नेक्स्ट अगला क्या था, अगला मोड में आ गया था वैसे तो मैं, लेकिन क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन से दिए थे, चारों मेरे को ध्यान दिला दो। हाँ भाई, क्वेश्चन है अपने पास में कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, एक क्वेश्चन दिया था, और दूसरा दिया था कौन सा, 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे कितना, 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और अगला कौन सा दिया था, x प्लस रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कहां लिखा है, इसने लिखा ही नहीं क्या क्वेश्चन, कहां लिखा है क्वेश्चन, अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट, फिर तो क्वेश्चन तो दो मेरे को, क्वेश्चन पे चलो। हाँ बेटा क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स माइनस 3, हाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स माइनस 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये था, हाँ भाई फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताएं, एक्स इंटू में कितना, 2 की पावर एक्स माइनस 1 इंटू में कितना, 3 की पावर एक्स माइनस 9 इंटू में कितना, एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, अच्छा हाँ ये पूरा क्वेश्चन तो यही है ना, नहीं क्वेश्चन तो ये था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। आओ करें चर्चा इस पे, अब आएगा मजा, रेडी चर्चा टाइम। पहला हो गया क्रैक, हो गया था ये, अगर आपने इसको तोड़ा होता तो ये एक्स माइनस 3 कितना, x माइनस 3 तो नहीं लग रहा, x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यही तो हुआ। कितने ब्रैकेट है, दो बाला किस और, फंक्शन से दूर, तो फंक्शन बड़े से बड़ा, छोटे छोटा, बड़ा कौन है, दो, तो x ग्रेटर देन 2 यूनियन छोटा कौन है, माइनस 1, तो x लेस देन माइनस 1। नंबर लाइन पर पटक दो, पटक लो बोले, एक कह रहा है 2 से बड़ा रहूंगा और एक कह रहा है माइनस 1 से छोटा रहूंगा, तो आंसर कहां से कहां तक हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिट। एक बात खत्म होगी, अगले पे आ जाता हूं। अगला पॉइंट सुने आप, याद है ना करना क्या था, इसको इधर लाऊं, श्योर है आप, अच्छा अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे कितना, 3x माइनस 5 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम कितना आया, 3x माइनस 5, ऊपर की तरफ कितना, 2x माइनस 3 माइनस में कितना, 3 इंटू में 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सोच सके है ना, 2x माइनस 9x माइनस का 7x है ना, माइनस 3 प्लस का 15 प्लस का 12, अच्छा और अपॉन में कितना, 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से खेलूं या एक और स्टेप चलूं, क्या गलती है यहां से खेलने में, x माइनस का है, याद है कि नहीं यार, और x अगर माइनस, जानते हो ना भाई, है ना भाई, तो यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 12 अपॉन में नीचे कितना, 3x माइनस 5, और यहां कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे क्या क्या चढ़ा बताओ, 12 बाई 7 और 5 बाई 3, बड़ा कौन है, कैसे पता, यू देखते हो क्या, इसी बहाने चलो ये भी बात चले, आपको याद दिलाता हूं, अपने पास एक तरह से आ रहा है 12 बाई 7 और एक बार कितना आता है 5 बाई 3। कभी भी अगर भाई तुम्हें हल्का सा भी संशय हो तो पॉइंटों में डिवाइड में मत जाना, तरीका सिखाता हूं, नहीं एलसीएम ले लेना, 21 देखना जरा, यहां से देखा था 3 करते कौन आया 36, 3 से लगाओ 7 के हिसाब से 35, कौन बड़ा है, 36 या 35, 36 तो 36 किसके कारण है, 12/7 के कारण, वो बड़ा हो गया, कहानी पकड़ मांगी, 36 12/7 के कारण आया, इसलिए 12/7 बड़ा है,
तो इसका मतलब जो बड़ा है वो यहां आएगा, 12/7 यहां आएगा, राइट है भाई? और छोटा कौन है? 5/3, वो उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और उसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, राइट है भाई? और 5/3 पे बॉल नहीं, वो तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। हाँ भाई, लेकिन अपने को श्योर नहीं है ना, केस बनाने पड़ते पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, लगने दो तो क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई तो तभी करते हैं जब इसका करेक्टर क्लियर हो। बोलो सही है? yes, यार आज अब बिल्कुल ढीले हो गए। सही है ना? हाँ बोलो। हाँ तुम्हारा क्या? डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो श्योरली मल्टीप्लाई, श्योरली मल्टीप्लाई नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर पॉजिटिव है तो कोई रूट लॉस नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पे वो एज इट इज चला जाएगा दूसरी साइड, है ना? हाँ भाई, प्लस माइनस हो गया। अच्छा, अपने क्वेश्चन में क्या चल रहा था? लेस देन जीरो माने आंसर हो गया कहां से कहां तक? एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 5/3, 12/7, जिसमें एक चीज तो हाईलाइटेड है, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल के कारण ओपन, और 12/7 पे क्लोज क्योंकि इक्वल का साइन। नहीं आया है ना, फिर भी चलो मान लेता हूं। अब देखो ये वाला आंसर आ गया, पहला काम हटा दू, कभी नहीं जिंदगी में मत हटाना रूट लॉस। सबसे पहली चीज आपको कंफर्म करना चाहिए अंडर रूट जिंदा क्यों रहेगा, ये है कि नहीं? अभी अभी तो है ना, तो आपको पता होना चाहिए अंडर रूट पॉजिटिव कब रहेगा, जब इसके अंदर वाला पॉजिटिव है। अंदर तो ये भी है ना, माने ये भी तो यही बोलेगा, दोनों केसेस में एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। अगर आपने कह दिया कि हां तू जिंदा है, तब आप इसको हटा लो, क्योंकि जिंदा को मारा जा सकता है। आपने श्योर ही नहीं किया वो जिंदा था, मरे हो गए क्या मारते, मतलब आपने पहले हटा लिया एक्स को बिना देखे। नहीं आया जोन में, कहानी के अंदर यही ये सबसे जबरदस्त चीज है, पता है? आप किसी भी आम जन को दे देना, किसी को भी दे देना, कितने ही आगे जा रहा हो अपने से, है ना? पड़ोसी के लिए आवश्यक प्रश्न है ना, तो पड़ोसी को दे दो, रात भर की उसकी नींद उड़ गई, अरे और इतना छोटा क्वेश्चन कहां चला गया, इतना समय मर गया मैं तो, आंसर ही नहीं मिल रहा। पहली बात, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, आपने श्योर कर दिया कि जिंदा है, श्योर करते ही आपके लिए कहानी है कि अब हटा ले भाई, एक्स ग्रेटर देन माइनस 3। अब देखो जरा ये वाली पार्टी कहती है कि एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? माइनस 3 से बड़ी। किधर जाऊं? इधर किधर? जल्दी बताओ मेरे साथ रहना, इधर या उधर? इधर। माइनस 3, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल, मतलब डार्क बॉल या होलो बॉल? डार्क बॉल। इधर चलो, और ये वाली पार्टी कहती है कि एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? दोनों को मिलाऊंगा ना, मार्डोली कराऊंगा, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर ओपन या क्लोज? इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन, माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन, ओपन। 0 पे कैसा? क्लोज। आने से किसी पछताने की जगह नहीं है कि यार मेरा गलत हो गया, तो सही किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ, तो चिंता करने की जगह नहीं है। क्या नहीं हो सकता? कहां पे? लेस देन यहां पे। अरे एक्स अगर अंडर रूट के अंदर बैठा, बेटा अंडर रूट में नेगेटिव कैसे ला देगा तू? अनडिफाइंड हो जाएगा। हमारे चैप्टर का नाम फंक्शन जरूर है, लेकिन इसका असली नाम रियल फंक्शन है। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं रियल में पढ़ रहे हैं, रियल में, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड नहीं है। ठीक है, अगली बात बताऊं? हाँ, अंडर रूट के अंदर जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, तो उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये सब वैल्यूज ले लेगा, ये वैसे ही पॉजिटिव है। इसको अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया, तो वो चिड़ और जाएगा कि मैं तो हूं यार बचपन से। आपको याद है पॉइंट नंबर, रूल नंबर 2? हाँ, बस फर्स्ट डे रूल नंबर 2। ठीक है, अपने को रूल बुक याद करा देगा ये खट से, मैं तो वैसे ही पॉजिटिव हूं, मेरा क्या बताना। ठीक है, लॉ उल्टा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसे कल को कोई पूछ ले कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 सही है क्या, अब आप बताओ ये सही है गलत है? ये सही नहीं है, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए था। आया समझ में? नहीं, ये किसी एक जने को ऊंचा नीचा करने के लिए नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपके साथ में ये चोट करेगा वो हर बार कि अगर मैं ग्रेटर देन 0 कह रहा हूं, बताओ मैं सही हूं? आप कहोगे नहीं साहब, 0 पे कहां दिखा रहा हूं। सही है, अगला पॉइंट आ दो, नेक्स्ट। अब इसकी बात करते हैं, बहुत दिनों से अच्छी बात नहीं करी, इसका मतलब आप समझ गए, ये इससे एक्स की वैल्यू बोलो 0, टर्निंग पॉइंट। याद है टर्निंग पॉइंट कैसे देखते थे?
मन की आंखों से इक्वल टू जीरो कर देते थे। तो यहां पे अगर सोचो मैं 3x-9 इक्वल टू जीरो करूंगा तो 3x इक्वल टू 3 का स्क्वायर माने x इक्वल टू कितना 2, तो इसका टर्निंग पॉइंट कितना है 2, इसका टर्निंग पॉइंट 2 है। सोचो फिर उसी प्रकार से इसका टर्निंग पॉइंट 3, इसका 0, कैसे 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 0 कैसे बताओ, इक्वल टू इसको मैं लिखता 2x इक्वल टू 1 या 2x इक्वल टू 2 0, इसका x इक्वल टू 0। अब बताओ कितने टर्निंग पॉइंट मिले, इससे क्या मिला 0, लिख दो इससे क्या मिला 0, 0 कितनी बार हो गया इवन पावर। हाँ दो अलग अलग जन में 0 दे दिया, इवन पावर गिन दिया आपने, हाँ दो जनों दे दिया, मैं दो बार हो गया ना डिग्री, तो नहीं आई समझ में 0 की इवन पावर दो बार आया, लिख लें क्योंकि ऐसी बातें तो कहीं लिखी नहीं थी, 0 दो बार आया समझ में इवन पावर। एक नई चीज बैठे आ जाओ, इसने कितना दिया 2, लिख दो 2, इसने कितना दिया 3, बाकी सबने तो एक एक बार ही दिया ना, तो एक एक बार गिना। अब आ जाओ प्लस माइनस करने का टाइम, प्लस माइनस सबकी डिग्री ऑड है ना, प्लस माइनस प्लस क्यों इवन डिग्री आया प्लस। अब बताओ क्वेश्चन में क्या है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, किसे चुनू माइनस, कहां से कहां हो गया नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनिट, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको खुश कर दे। हालांकि आपका मुझे नहीं पता आपने 0 दो बार लिखा था, क्या किया था, दो बार लिखा था ना, हाँ आंसर आ गया था, वो भाई एक अलग सीन है, लेकिन आपके लिए ये जानना कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा, और 0 दो बार आ रहा है इसका क्या करना था मुझे, है ना, यही वो जगह है जहां पे अपने को मात देगा सामने वाला, ठीक है। अगर भाई जो सोचो सपोज करो क्वेश्चन के अंदर पता है हमको क्या होता, ये होता और इसका एग्जिस्टेंस पूछा गया होता, तो क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के टाइम पे आपको ये दोनों चुनने पड़ते, पता है वो तकदीर है आपकी, बाई चांस के इस तरह का क्वेश्चन अभी तक उठा नहीं है, और तकदीर है दूसरे लोगों की कभी उन्होंने इस पे बात नहीं करी। अब आते हैं इस पे, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, फंडू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आ जाओ चर्चा करें इस पे, है ना, अगला पॉइंट सुनेगा, अगला पॉइंट क्या है, हाँ सर अगला क्वेश्चन है x²-4 रूट ओवर में कितना x²-1 क्या था लेस देन 0। हाँ सर मैंने ये बताया था पूरी कहानी क्या पता आपको, ये दोनों की मल्टीप्लाई है। अच्छा अब सुनना, दो चीजों की मल्टीप्लाई और आंसर नेगेटिव है, नहीं आया सर, मैं दोबारा बोलता हूं, दो की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई गिव्स क्या दे रही है, गिव्स नेगेटिव वैल्यू, अगर दो की मल्टीप्लाई नेगेटिव दे रही है तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव श्योर है, लेकिन आप में से हर एक जने को पता होगा अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, सो ठीक है x²-4 हैज टू बी नेगेटिव, कहानी पकड़ में आ गई, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तो दुनिया तो नेगेटिव को इसी इशारे से समझाती है, ये हो गया नेगेटिव, क्या ख्याल है आपका, और अगर ऐसा हो गया तो आप में से हर एक जाने को ये भी बताना चाहिए कि x-2 x+2 लेस देन 0, कहानी पकड़ में आई क्या नहीं है, एक कहानी तो ये है, अब दूसरा सर ये तो ठीक है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन सर वो पिछली बार जैसे आपने अंडर रूट एक्स काटने से पहले पक्का किया था कि वो जिंदा तो रहे, इस बार अंडर रूट वाले को जिंदा नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखेंगे, बात करते हैं ना दीवार के इस पार, अंडर रूट वाले को बुलाया x²-1 भैया आप हमेशा पॉजिटिव रहना, नहीं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर पाएंगे, राइट है। अब आप इसे कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया, इसका मतलब होता है x-1 x+1 बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितने लोगों को ये पता है कि इसका मतलब कितने ब्रैकेट भाला किस और, तो मैं क्या बोलू x किससे बड़ा, बड़ा कौन, इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी है 1, और छोटा कौन -1, तो x-1 से छोटा, कहानी पकड़ में आ गई। अब बताओ कितने ब्रैकेट, दो फंक्शन की, और फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां के बीच, दो से -2 के बीच, कितने लोगों को बताया हमारे पास कितने x हैं, एक से ज्यादा x होते ही मांडवाली, हाँ या ना, तो अपने पास वो तीन तीन है, देखो 1 2 3 3 x खड़े, एक ही नंबर लाइन पे बुला लो, बोलो ये क्या कहेगा, एक्स कहां से चाहिए, एक से बड़ा माने ब्लैक बॉल, इधर दौड़ दो, अच्छा ये क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू कैसी है,
माइनस वन से छोटा, माइनस वन कहां पकड़ू, इधर माइनस वन इधर होगा ना भाई, माइनस वन से छोटा इधर आ जाओ। अच्छा ये क्या कहते हैं, एक्स कहां से कहां के बीच, माइनस दो कहां मिलेगा, माइनस वन के इधर या उधर, इधर श्योर है, और टू किधर मिलेगा, वन के उधर या इधर, टू 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 श्योर है ना, हाँ अच्छा टू, एक सेकेंड इक्वल का साइन है क्या, तो ब्लैक बॉल या व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप खुल के बोल रहे हो और आपके है ना चेहरे भी हल्का हल्का वो गिगलिंग नहीं कर रहे, क्लिक कर रहे हैं क्या भाई, सही बात, आंसर बोलो कहां से कहां, माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से टू, तो एक सेकेंड एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से टू, और वन टू पर ओपन, बहुत ही बढ़िया, और वन पे क्लोज। हाँ हाँ नहीं होने देना, अरे हाँ 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 गॉट इट तू क्या कर रहे, सही कह रहे, ये बालक भी सही कह रहे, देखो अगर भाई देव इक्वल टू, जिस दिन ये इक्वल टू जीरो हो गया उस दिन ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन जीरो दिखने लगेगा, इसलिए ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ और ये हटाओ ये हटाओ, आया समझ में, हाँ क्योंकि मैंने ही बताया था उस दिन अपनी बात हो रही थी है ना, मैंने ही बताया मैं ही भूल गया, अरे जल्दबाजी में स्ट्राइक नहीं करा ना, देखो नहीं आया समझ में, जिस दिन मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में इक्वल टू जीरो दे रहा हूं वैसे उस दिन ये जीरो बना रहा होगा, और जिस दिन ये जीरो बना रहा होगा ये सबको जीरो गुणा, ये जीरो बन गया तो सबको जीरो होना पड़ गया, अरे जिस दिन इसने जीरो दे दिया इसको तो बेचारे का कुछ इसकी औकात क्या, जीरो से गुणा हो गया कुछ और दे दे, जीरो देगा जीरो लेस देन जीरो देखेगा ना, क्लिक नहीं हुआ जल्दबाजी, अच्छा पॉइंट है, नॉट टू बी इग्नोर्ड, ठीक है पॉइंट है पॉइंट, है ना भाई, तो उम्मीद है पांचों क्वेश्चन में से पांचों तो किसी के भी सही नहीं थे, ठीक है लेकिन फिर भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके तीन तो एकदम सटीक, बहुत बढ़िया ना, अब ये क्या बुरा है बताओ, ठीक है थोड़ा सा मैं जल्दी कर लेता तो मेरे को पता है मैं एकदम पीट के रख देता बात को, मेरे को वो चैप्टर पे टिक मार्क नहीं लगाना, ठीक है आप मेरी बातें याद करोगे, आप क्या चिंता करते हो आप साहब, ठीक है अगले पॉइंट पे आता हूं, हम लोग पिछली बार मॉड्यूलस पे चल रहे थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, याद है आपको, अरे बोलो यार, ठीक है मॉड में छोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी थी है ना, इससे पहले कि मैं एकदम से जंप करके आगे चला जाऊं वापिस एक बार पुरानी बातों को याद करना चाहता हूं, मैं भूल गया हूं कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे मुझे याद नहीं है कि मॉड में अगर कोई फंक्शन हो तो आपको ऐसे किसी को अगर याद हो तो हम देखते हैं कि अगर कल को फंक्शन पॉजिटिव है तो ये कैसे निकालता है, तो ये एफ एक्स ही निकालता है ना भाई, और अगर कल को फंक्शन नेगेटिव हो तो ये माइनस एफ एक्स निकालता है, इसका मतलब सारा खेल किसके हाथों में, फंक्शन के, मॉड तो बेचारा क्या करेगा प्लस माइनस देता फिरेगा, फंक्शन कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है सर, फंक्शन कैसे डिपेंड करता है, अरे करता है ना, देख कितने लोगों को अभी भी एक पुराना सीन याद है, क्या आप में से अगर किसी को याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका ए कितना है, हाँ कितना, वन, अच्छा डी कितना था किसी को याद है, माइनस थ्री, याद है आपको, ए पॉजिटिव और डी कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो पूरी क्वाड्रेटिक कैसी पॉजिटिव, याद है कि नहीं, इसका मतलब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा माने एक्स बिलोंग्स टू आर, याद है क्या, अच्छा अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव है तो मैं आपके सामने अगर कल को ये लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मॉड आ जाता तो आप में से कितने लोगों को पता है कि मॉड को पता चलता कि ये कौन है पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर मॉडुलस को पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पॉजिटिव है तो ये इसको कैसे निकालता, एज इट इज निकाल देता साहब, एज इट इज रखवा देता बाहर, क्या दूसरा केस रन करता क्या, करता ही नहीं क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकती, कहानी पकड़ में आई, मॉडुलस ऐसे व्यवहार करता है, अब छोड़ोगे कोई बात नहीं, आप में से किसी को ये चीज स्ट्राइक नहीं करी तो उम्मीद है अब, क्योंकि अब मैंने बात छेड़ दी है तो अब तो करेगी करेगी, अब मैं आपके सामने दूसरी बात करता हूं, कितने लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी है और एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव है नेगेटिव,
पॉजिटिव, जो ऑलरेडी पॉजिटिव उसमें आपने एक और जोड़ दिया तो श्योर हो गया बेचारा और नहीं है। अरे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसमें एक जोड़ दिया तो और पॉजिटिव। अरे जोड़ा है आपने, घटाया थोड़ी ना कुछ, नहीं है अब तो आप श्योर हो गए। अच्छा कितने लोगों को पता है? अब ये, अब जरा इसको समझना, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई, अगर मान लो क्वेश्चन में हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स हो जाता, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि मॉडुलस को जैसे ही पता चलेगा, पहली बात ऐसे ही एक बात करते हैं, एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं। आपने कभी ऐसी दुकान देखी जो एक के ऊपर एक दो दुकानें होती हैं जैसे? देखिए ना, दोनों का सेटर अलग अलग होता है, एक ही होता है, अलग अलग होता है, होता ही है ना? नहीं तो सोचो ना, ऊपर एक नाई की दुकान हो, नीचे मिठाई की दुकान हो, कितनी तकलीफ होता है संडे के दिन। है आप मिलो नई वाले को, यार पागल आदमी है, तो नीचे मिठाई की दुकान है, शटर अलग अलग नहीं कर रखा, वो आता है 11:30 बजे, उसको तो संडे है, और तेरा तो सुबह तक गल्ला भर जाता है 11:30 तक। नहीं आया समझ में? तो नई को कहोगे ना यार शटर अलग अलग कर, तो ये दो दुकान एक के ऊपर एक है, एक ही शटर है, तो पहले तो आप कहोगे यार शटर अलग अलग कराओ यार, ये गलत है, ये नहीं आया समझ में? शटर अलग अलग हो गए, अब आया है ना? शटर अलग करने का मतलब इस मतलब ठेठ बकवास का भी कोई मतलब था, ठीक है? अब दूसरी बात, जब शटर अलग अलग हो गए तो शटर जैसे अलग होंगे तो ये शटर पहचानेगा मेरे अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसे पॉजिटिव, तो ये कहेगा अरे यार तू तो पॉजिटिव आदमी है, ठीक है ना, जाना है तू तो यार, कहेगा मेरे अंदर बैठा है, मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव करने की मशीन, तू तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, नहीं आया समझ में, है कि नहीं? अच्छा टू को देखिए क्या कहेगा, टू को क्या कहेगा, पॉजिटिव है यार, है ना, तू भी जा यार, और एक्स एक्स का पता नहीं है, तू रुक जा, तेरा पता नहीं है भाई, बाकियों की तो श्योरिटी आ गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो बचपन से लोग जानते हैं पॉजिटिव है, टू भी पॉजिटिव है, तो एक्स को पकड़ लेगा, कहानी पकड़ में आएगी नहीं आई? ऐसे व्यवहार करता है वो, क्वेश्चन देख करके स्ट्राइक करता था उससे कि अच्छा ये तो पॉजिटिव है जाने दो, ये तो नेगेटिव है माइनस दो इसे, नहीं आया समझ में? जैसे आप में से कितने लोगों को ये पता है कि माइनस टू का मॉड कितना होता है? टू। मेरे को पता था सारे यही बोलेंगे, मैं कहता हूं माइनस वन माइनस टू, अब आप कहोगे सर ये तो टू ही है, ये तो गलत है सर, चीटिंग है। नहीं, आप गौर से देखो, टू है नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन असलियत में तो मॉड ने क्या समझा था कि अंदर कौन बैठा है उसके? नेगेटिव। उसे तो ये पता था अंदर नेगेटिव बैठा, तो इससे एक और नेगेटिव दो, नेगेटिव को नेगेटिव तो देना है, उसका नियम है ना, तो माइनस को माइनस दिया तो टू हो गया, वो तो उसकी थोड़ी ना, उसको थोड़ी ना पता था बाद में जाके तू प्लस टू हो जाएगा, हमारा काम तो अंदर वाले नेगेटिव को देखते ही माइनस देना था। नहीं आया कहानी पकड़ में? आई तो इसलिए लोग जब पूछते हैं ना मॉड ऑफ माइनस टू, तो बोलना तो टू चाहिए, लेकिन साथ में बोलते हैं माइनस ऑफ माइनस टू, ठीक है? कहानी नहीं पकड़ में आ रही आपको? आ रही है ना? अरे अलग लेवल है, अलग अलग चीज है, अलग चीज। अच्छा आप एक ऐसे और एक, जब अपन बकवास कर रहे हैं तो लेवल पे आते हैं, है ना, बिल्कुल एकदम बिखेर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं एकदम, ठीक है? हाँ भाई, ऐसे जैसे ना सर, ये सर दुनिया कहती है मॉड एक्स, सर ऐसा ना, ऐसा सोचो ये ऐसा ऐसा 15-20 मॉड होते फिर क्या होता, इसका क्या मतलब होता है सर? है इसका क्या मतलब होता है सर? जैसे इको मार रहा हूं है क्या? नहीं क्या है ये कैसा होता? मैंने कहा सोच ना, तो एक तरह से सोच, चल ये मॉड एक्स कैसा है? पॉजिटिव। अरे ये मॉड एक्स कैसा है ना बता अभी? पॉजिटिव। तो जैसे ही बाहर वाला मॉड को बदलेगा, अंदर वाला मॉड एक्स पॉजिटिव है तो क्या करेगा? जाने देगा, हट जाएगा खुद, यार तू अंदर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है, तेरे को मेरी क्या जरूरत है? है कि नहीं? तो ये जैसे हटेगा तो ये हट गए लोग, अब किसके माथे आ गए इसके? ये भी तो मॉड ही है, ये कहेगा अंदर वाला पॉजिटिव है, यार हम क्या कर रहे हैं फोकड़ के अंदर टाइम पास कर रहे हैं? नहीं आया समझ में? हट जाएगा साथ, लास्ट में क्या बचेगा? मॉड एक्स। एक्स नहीं, हाँ एक कपड़ा तो छोड़ेगा यार, सही है कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब आपको समझ में आया, कितने भी मॉड लगा लो लास्ट में मॉड एक्स है, क्योंकि उसका काम पॉजिटिव करना है। अब आपको गहराई समझ में आ रही है? शटर की दुकान है ना। अच्छा अब आपको ये भी समझ में आया प्लस माइनस का क्या करना है वगैरह वगैरह, है ना? अच्छा चलो अब एक और काम करते हैं, है ना, ऐसे ही बकवास करते हैं तो ठीक है, एक और बकवास याद करते हैं। कितने लोगों को याद है मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 का भावार्थ? ये कौन है? घोड़ा कहां खड़ा है? ओरिजिन पे। कहां खड़ा है? ओरिजिन पे। कितनी लंबाई की रस्सी है? 3। किधर तक जाएगी? उधर 3 तक। अरे 0 के आगे 3 तक, और उधर कहां तक जाएगी? -3। लेस देन माने अंदर की कि बाहर की? हाँ अंदर की। तो कहां से कहां के बीच की बोलो? -3 से 3। याद आ गया कि नहीं आया? है ना, श्योर है ना भाई? अब अपन उल्टी बात करते हैं, आओ ऐसा उल्टी बात सोचते हैं। कितने लोगों को यह समझ में आता है कि कल को अगर कल को किसी ने यह कह दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड -3,
कहीं हो गया ऐसा, हो गया बाई चांस आपको देखने को मिल गया, तो आप में से कोई उल्टा भी सोच लेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री कम मॉड, सोचो उल्टा सोच लोगे क्या? नहीं आया समझ में? हाँ तो अरे दुनिया ऐसे छलांग तो सभी लगा लेते हैं, जो उल्टी खा ले वो भी समरसॉल्ट है। नहीं आया समझ में? मजा तो इसी बात का है ना कि यार यो तो सभी जाएंगे, हम तो कभी कभी यू भी आएंगे। नहीं है? अरे पानी में बैठा है वो तिनका जो उल्टा है वो जीवित मछली है, मजा तो उसका है ना, है ना? तो कहने का मतलब ऐसे तो सभी जाएंगे, कभी उल्टे भी आने, तो मैथ्स में ध्यान रखना जो उल्टा आ जाता है वो ज्यादा छोटे रास्ते पाता है, क्योंकि उल्टे ही सोच गया खटखट खटखट लास्ट तक पहुंच जाता है वो। ठीक है, अभी फिलहाल ये बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ, यहां पे तो फिर ये -3 -3 के बीच में कैसे? हाँ चलो आते हैं, ये भी करते हैं, ऐसी बातें भी करेंगे अपन, अभी करेंगे, थोड़ी देर में आता हूं, है ना, थोड़ी सी देर में। ठीक है, अच्छा ऐसी बात करते हैं चलो, है ना। जैसे सपोज करो, है ना, ऐसा लिखा होता सर एक्स स्क्वायर माइनस चार, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नहीं यार मजा नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल बनेगा थोड़ी देर में बना दूंगा मैं, एक्चुअली मैं वहां पे पहुंचना नहीं चाहता डायरेक्ट, एक बारी में धीरे धीरे पहुंचूंगा। ठीक है, वापस याद दिलाता हूँ धीरे धीरे, कुछ छोटी छोटी चीजें। किसी को याद हो तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन टू, मतलब कहां पे खड़ा है घोड़ा? एक पे खड़ा है। कितनी लंबाई की रस्सी? दो। एक सेकंड, एक पे खड़ा है, एक पे खड़ा है, दो लंबाई की रस्सी किधर तक जाएगी? तीन तक। और दो पीछे कहां तक? माइनस एक। लेस देन या ग्रेटर देन? अंदर की या बाहर की? लेस देन माने अंदर की, तो कहां से कहां के बीच की? माइनस नहीं, माइनस वन से तीन तक। श्योर है? डायरेक्ट लिख रहा हूं ना भाई, अब अपन इतना तो कर लेंगे, माइनस वन से तीन तक, है ना। अच्छा खैर कोई बात नहीं, और सोचते हैं, और सोचते हैं और। ठीक है, एक्स माइनस वन क्या सर? वो तीन और एक माइनस एक कैसे? मैं आता हूं ना, ये वाला ये कैसा है? अच्छा तुम भूल गए क्या? घोड़ा कहां खड़ा था? एक पे। अरे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, टर्निंग पॉइंट बोलो, एक्स इज इक्वल वन, एक्स कहां पे खड़ा है? एक पे। घोड़ा एक पे खड़ा है, कितनी लंबाई की रस्सी है? दो। दो लंबाई की रस्सी आगे फेंको कहां तक जाएगी? तीन तक। दो की पीछे फेंको माइनस वन, लेस देन माने अंदर की, तो अंदर की माइनस वन से तीन के बीच की है कि नहीं? कही जा। अब उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, है ना, उल्टा नहीं ये वाले उल्टा नहीं, और आगे सोचते हैं। रेडी? अच्छा अच्छा, पॉइंट है, धीरे धीरे आपको याद रखना है। कल को ऐसा होता था कि आपको सर मेरे को कल को कोई क्वेश्चन में ऐसा दे देता तो कि यहां पे चार और यहां पे दो, तो क्या होता था? कोई बात नहीं, याद है घोड़ा कहां खड़ा पहले बताओ? घोड़ा कहां खड़ा है? जीरो पे। घोड़ा जीरो पे खड़ा है। कितनी रस्सियां हैं अब उसके पास? अरे दो। कितनी रस्सियां हैं? दो अलग अलग। कितनी कितनी लंबाई की? तो घोड़े ने कहा अच्छा एक पहली रस्सी फेंकते हैं, कहां कितने लंबाई की? दो। कहां पे जाके गिरेगी? और दूसरी? चार पे। और उसने कहा लेस देन, दोनों के बीच की घास खानी है? अरे दोनों के बीच की, तो बीच की घास खा ली लो उसने। रेडे कितनी रस्सियां थी? दो। वही दो रस्सियां उधर भी फेंकेगा, तो दो लंबाई की रस्सी जिस दिन पीछे फेंकी तो, और उधर फेंकी तो, और फिर से बीच की खाएगा, उसको तो बीच की घास खानी है, याद है? तो आंसर कहां से कहां तक हो गया बोलो? -4 to -2 यूनियन में कितना? 2 to 4। आए कि नहीं आए? मुश्किल नहीं है ना? अब एक और एक कदम और चल लेते हैं धीरे धीरे, अब एक कदम और चल लेते हैं। राइट भाई? अच्छा वो कदम क्या है? ठीक है, संडे के दिन सोने का टाइम होता है, पता है आपको, 3 बजे अलार्म बज रहा है मेरा। हाँ भाई, है ना, अब चलो आगे। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो घोड़ा कहां खड़ा है? घोड़ा कहां खड़ा है? एक पे। राइट है, कितनी रस्सियां? कितनी कितनी लंबाई की? 3 और 2। एक पे से दो लंबाई की रस्सी आगे फेंको कहां गिरेगी? और तीन लंबाई वाली रस्सी? 4 पे। और दोनों के अंदर की माने बीच की घास, तो 3 से 4 के बीच की घास। राइट है, अब उधर भी दो रस्सियां फेंकेगा, कितनी कितनी लंबाई की? 2 लंबाई की -1 पर और 3 लंबाई वाली -2, और दोनों के बीच की घास, तो कहां से कहां तक आंसर हुआ? -2 से -1 यूनियन 3 से 4, और इक्वल के कारण क्लोज, दोनों तरफ इक्वल है इसलिए क्लोज। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? yes, है ना, मेरी तो बिल्कुल कॉपी करनी नहीं है, भूल जाओ कॉपी करना। ठीक है, आप तो क्वेश्चन बनाओ मेरे लिए। रेडी? yes,
बनाओ, चलो मेरे को बताओ. मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 और उधर से दे रखा है 3. बोला नहीं आंसर 6 बेटा. 3 पे डार्क बॉल, इस पे व्हाइट बॉल और उधर की तरफ -3 डार्क बॉल, इधर की तरफ -6 ब्लैक बॉल. राइट आंसर हो गया -6 to -3. इधर ओपन, इधर उल्टा बोल रहा हूं. ठीक है, यूनियन 3 ओपन 6 क्लोज. कितनों का सही है? नहीं बेटा, बैठ गया. हाँ भाई बढ़िया. अरे वेरी गुड, मतलब आप उम्मीद से बेहतर खेलो मेरे लिए. ठीक है चलो एक और करते हैं. आओ, एक्स प्लस 1 इधर की तरफ कितना 3, इधर की तरफ कितना 0. मुश्किल दिया मैंने आपको, बताऊं मैंने मुश्किल दिया, मेरी तरफ से मुश्किल दिया हल्का सा. पहली बात, एक मिनट, घोड़ा कहां खड़ा कर रहे हो बताओ? घोड़ा खड़ा कर रहे हो -1 पे. जीरो लंबाई की रस्सी वहीं गिर जाएगी साहब, गई नहीं. आप आपका तोड़े कसूर है यार, नहीं गई तो आप क्या कर सकते हो, है ना. अगली कितनी लंबाई की? 3. वो कहां तक गिरेगी? -1 से 3 आगे 2 और -1 से 3 पीछे -4 और दोनों तरफ डार्क बॉल क्लोज बैठे और 0 माने -1 पे रहेगी जो वहां पर कितना ओपन. तो आंसर हो गया कहां से कहां तक का, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4 से 2 तक क्लोज एक्सेप्ट माइनस वन. यू भी कह सकते थे आप में से कोई, इसको यू भी कह सकता था कि -1 ओपन से -1 to 2 तक राइट है, यूनियन -4 से 2 तक, -1 तक एक्स बिलोंग्स टू. ये भी ले सकते थे आंसर, ये भी ले सकते थे. मैंने मुश्किल दिया था, मैंने आपको बोला ना जानबूझ के मुश्किल दिया, ऐसा नहीं. मुझे पता था अब आपको आ गया है, लेकिन मैं अब आपको धीरे धीरे ना पता उस तरह लाना चाहता हूं जिधर आईटी चालू होगा, सब्जेक्ट की नॉलेज के आगे भी वो जगह जहां वो बंदा आंखें क्लोज कर ले. हाँ भाई, अब एक और बात बताऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के जवाब देना. मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -4. जल्दी 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 जल्दी, जो भी आपका जवाब आना चाहिए. उलझन दिए, उलझन क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, उलझन दिए. हां साहब, कितनी रस्सियां? 2. एक 3 की और एक -4 की, लेकिन -4 में तो लेंथ होती नहीं, तो गड़बड़ है. यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, नहीं है. अब आप सुनना, कितने लोगों को याद है कि मॉड एक्स कैसी क्वांटिटी? ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ये कैसी? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी हुई है क्या? सोच के बोलना, कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होती है क्या? सोच के देखो आप, पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव से बड़ी होती है क्या? होती है कि नहीं होती है? अरे तो होती है, नहीं आया समझ में? लेकिन मैं पूछ के जा रहा हूं कि आप में से अधिकतर नो सर, समझ में आया? कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव से बड़ी होती है क्या? बच्चा नहीं, नहीं होती. सही है कि नहीं? है ना, अब जरा दिमाग लगाओ. अरे ये तो होती है यार, पॉजिटिव कब बड़ी होती है? कभी कभी, हमेशा. और जो चीज हमेशा होती है ना दुनिया में, बिलीव मी, कोई नहीं देखता उसे. आपने आज तक कभी जाकर के सूरज को देखा क्या कि सही जगह से उग रहा है कि नहीं उग रहा? किसी ने देखा क्या? टाइम आज बिल्कुल टाइम पे आए हो आप, ये कल 5 मिनट लेट थे, ऐसा कोई बोलता है क्या सूरज के पास जाकर के? वो पता है यार, ये तो होता ही टाइम से, ये कुछ टाइम से होता, मैं ऊंचाई नहीं हूं. सही बात है ना, दुनिया में जो चीज घटती है ना, जो रेगुलरली घटती है, उसको कोई ध्यान नहीं देता. वैसे ही सीन इधर है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, और अगर हमेशा बड़ा होता है तो इग्नोर इट, इग्नोर करो. क्यों? क्योंकि करते हैं, तो किसे इग्नोर करूं? अरे ये पूरे रिलेशन को इग्नोर कर दे इधर वाले को, फिर क्या करूं सर? अरे सिर्फ इधर का पकड़ के हिसाब किताब बना.
तू समझ क्वेश्चन तेरे को सिर्फ इतना दिया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ऐसा नहीं समझ रहा तो ऐसा समझ, क्या दूसरे लोग क्या समझाएंगे वो भी समझा देता हूं कि ये तो होता ही है, और जो होता है हमेशा वो x belongs to R। फिर क्या होगा, x belongs to R ये आंसर देगा, ये वाला अपना आंसर देगा, और मैं लास्ट में दोनों मांडवली कराऊंगा। हाँ या ना? और मैं मांडवली कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं इसको भगा दिया, मैंने कहा R के अंदर क्या कराना है, ठीक है ये तो होता ही है, इग्नोर इसको। देखो कितने लोगों को पता है घोड़ा कहां से कहां के बीच की घास, माइनस थ्री से थ्री, सीधी बात, बहुत बढ़िया, तीन से माइनस तीन, आंसर हो गया खत्म। कितने लोगों को समझ में आई मेरी कहानी, ये वाली, ये इग्नोर इग्नोर वाली कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? yes, नहीं आई, आ गया क्या? श्योर है ना? अच्छा चलो भाई, नहीं क्या होगा, माइनस को कहां से रिप्रेजेंट कर दूंगा, मर जाएंगे अपन, है ना? हाँ क्या तो लगने दो ना, कभी इक्वल भी नहीं होगा ना, ग्रेटर देन में वो ग्रेटर देन को अडॉप्ट कर लेगा वो तो हमेशा। हाँ साहब अपन तो बात ही कहीं से कहीं ले गए किधर, मैं तो ये इस पूरे खेल से बाहर ही चल रहा हूं अभी भी। अच्छा अरे क्यों नहीं, एक दिखा ना छोटा क्वेश्चन, कितने लोग सोच पाएंगे देखें, लेट्स सी, x स्क्वायर बाय 3 इज 1 एंड माइनस 1। हाँ साहब बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें वो नहीं दिखा, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो नहीं, सबसे पहले तो इग्नोर, ये कैसी क्वांटिटी है और ये कैसी है? कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से बड़ी होती है क्या? हमेशा होती है, तो इसे क्या करूं, इसे क्या करूं? इग्नोर। अरे इग्नोर करूंगा तो इसे तो गौर करूंगा, इतने वाले इसे को गौर करूंगा, x स्क्वायर बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगले स्टेप में क्या करूंगा, सही है, अगले स्टेप में बोलो क्या करूंगा, मानूंगा तब और सोचो। हाँ तो तेरे तेरे तरीके, एक मिनट रुक करके, और कोई तरीका, अंडरूट ले लूंगा, नहीं आया एक तरीका तो अंडरूट ले लूं, अगर मैंने अंडरूट काट दिया तो बोलो अंडरूट एक्स स्क्वायर इज लेस देन रूट 3, सही है क्या? अंडरूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, नहीं क्या होता है, मॉड एक्स, बिल्कुल मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। बताओ घोड़ा कहां से आएगा, कहां से कहां के बीच की, माइनस रूट 3 से रूट 3, लेस देन माने अंदर की, है ना भाई? तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच आई, आया नहीं आया? कहानी पकड़ में आ रही है आपको, है ना? इसकी काम जरूरत पड़ेगी सर, इसकी काम जरूरत पड़ती है तो छोटे क्वेश्चन की, ठीक है? अब भी हो सकता है शायद अपन आज ही बात करेंगे, राइट है, अभी कर लेते हैं, अभी तुरंत कर लेते हैं, है ना? आप आगे जाकर के आप ये पढ़ेंगे, है ना, एक डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एफएक्स, ठीक है ना, एंड बी कॉस इनवर्स एफएक्स, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूं, साइन इनवर्स में कोई भी फंक्शन हो या कॉस इनवर्स में कोई भी फंक्शन हो, उसका डोमेन निकालने का एक ही चरण होता है, पुट एफएक्स इज इन बिटवीन 1 एंड माइनस 1 एंड सॉल्व। एफएक्स को उठाओ और माइनस 1 से 1 के बीच पटको और सॉल्व कर डालो। तो उससे सर उस क्वेश्चन का क्या लेना देना? मान लो कल को क्वेश्चन में देने वाले ने आपको क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 3, तो आप क्या करते हैं? तो आपको मैंने क्या सिखाया, साइन इनवर्स में जो कुछ भी लिखा हो उसे उठाओ, उठाया और किसके बीच पटक दो, 1 और माइनस 1 के बीच, और जैसे आप पटकोगे पिछला क्वेश्चन चालू हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सब जमाता जा रहा हूं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। नहीं आया समझ में, आई कहानी पकड़ में? yes, है ना? उसके बाद कह दो संभाल लोगे आप? yes, नहीं yes, कर लोगे ना इसके आगे के तो? ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन इस बारे आप ये भी नोटिस कर लो, डाली लो अभी से, है ना? रिमेंबर, फंक्शन जब पढ़ते रहेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे, तब तक दूसरों के बराबर आने के लिए अपन दौड़ते रहते हैं, डोमेन क्या है, कैसा है, ऐसे करते हैं ताकि आपको ये भी याद रहे। हाँ अच्छा देखो, साइन इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन हो और कॉस इनवर्स में कभी भी कोई फंक्शन हो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एग्जिस्ट ही तभी करते हैं जब अंदर वाला फंक्शन जो है वो 1 और माइनस 1 के बीच की वैल्यू रखे, अदरवाइज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हाँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच रहती है, इसलिए इनवर्स की वैल्यू अंदर वाले फंक्शन के माइनस 1 और 1 के बीच में रखने पर होने पर आती है, ठीक है? कितने लोग यहां से संभाल लेंगे बात को? अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं, आप शुरुआत कर दोगे?
कितने लोग तैयार हैं? अब देखो ये इसके बाद तो प्रीवियस क्वेश्चन लिख दो भले, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं, चलो मेरे को सॉल्व करके बताओ, है ना? डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू में दे रखा है कॉस इनवर्स मॉड एक्स माइनस टू, सॉल्व करो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लू आपसे, कोई बता देगा कॉस इनवर्स में फंक्शन क्या लिखा है, एफएक्स क्या है? एफएक्स क्या है? ये है मॉड एफएक्स जो इनवर्स में लिखा है, क्या करना होता है बताओ? इसको उठाओ, इसको उठाओ, लो उठा लिया सर, अब कहां से कहां के बीच रखना है? माइनस वन और वन के बीच में रख दो माइनस वन वन, फिर सॉल्व करो एक्स के लिए। मैं सॉल्व करके दिखाऊं, अगला आप कर दो, मेरे को तकलीफ नहीं, हो गया क्या? आपने इसको वन और माइनस वन के बीच रख लिया, जल्दी 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 करो, क्या आपने इसको वन और माइनस वन के बीच रख दिया? आपने कांस्टेंट हटा दिया, पहला कांटा कौन है? माइनस टू ना, माइनस टू कैसे हटाते हैं? प्लस टू करके, प्लस टू अगर इसके साथ प्लस टू करा तो ये दोनों नहीं चिढ़ेंगे यार, तू अकेले इसके साथ कर देता प्लस टू, बाकियों के साथ नहीं करेगा, तो हमारे को प्लस टू सबके साथ करना पड़ गया। प्लस टू करते यहां पे कितना हो गया? थ्री, याद है ना? मैं इधर देख देता हूं, प्लस टू कर दिया तो प्लस टू करते इधर तीन और उधर प्लस टू करते वन। अब बताओ जरा मॉड एक्स इज इन बिटवीन वन एंड थ्री, क्या समझे इसका मतलब? घोड़ा मॉड एक्स देखते ही घोड़ा, घोड़ा कहां से कहां के बीच के हाथ से आएगा? एक से तीन, इधर एक से तीन तो उधर माइनस एक से, माइनस एक से माइनस तीन, नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो आंसर हो गया ना डायरेक्ट, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस तीन से माइनस एक, यूनियन में कितना? नहीं आ रहा अभी भी, मुश्किल है क्या? तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, देखो फर्स्ट टाइम आ रहा है यार, इसको क्लिक कर गया अपन ने तो इसे बताया भी नहीं कौन घोड़ा कौन सी घोड़ी, फटाफट कर रहे हैं और एक खटाखट क्लिक कर रहे हैं, नहीं आया समझ में? तो यार आप कैसे ऐसे, मेरे बच्चे नालायक नहीं है मैं जानता हूं अच्छे से, ठीक है? नहीं ऐसा लगता है तो लगने दो ना, क्या बुराई है इसमें, है ना भाई? अगला क्वेश्चन करोगे, देखो अब आपको एक कांटा समझ में आया, माइनस टू के कांटे को हटाने के लिए आपने क्या किया? प्लस टू। अच्छा चलो सपोज डिवाइड बाई थ्री होता तो क्या करते? मल्टीप्लाई पे थ्री करते। इसका मतलब आपका होल सोल एम कैसे भी करके पहले मोड एक्स तक जाना था और फिर अगला एम एक्स तक जाना था, और एक्स आते ही आपका आंसर आ गया, यही तो डोमेन है। कौन डोमेन है? एक्स डोमेन है, हाँ एक्स डोमेन है। तो सर फिर वाई रेंज है, अच्छा वाई रेंज है और एक्स डोमेन है, एक्स डोमेन है, मैंने एक्स में आंसर ला दू तो डोमेन हो गया, हाँ एक्स में आंसर आ गया डोमेन हो गया। तो इसका मतलब सर ये जैसे एक्स में आ रहे थे डोमेन थे, हाँ ये सब डोमेन थे, और इससे जो वाई आता वो रेंज होता है, वाई रेंज एक्स डोमेन, हाँ सर समझ में आया, डोमेन एक्स रेंज वाई, है ना पहला पार्ट, ठीक है? अच्छा अब चलो आगे चलते हैं ना, अगले पॉइंट पे आते हैं, डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स में, रेडी सोच रहे हैं ना आप लोग, मॉड एक्स माइनस टू डिवाइड बाई फोर, वेरी गुड, मेरे को ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, हो गया खट पहले लाइन समझ में आया, जानिए खट पहला नोड पॉजिटिव उठा 100% आंसर लाएगा। अपन इसमें मोर देन 400 क्वेश्चन करेंगे, आपको पता है फंक्शन में आज आदमी 30 उठा के जाओगे आप, ये तो अभी अपन छोटे कर रहे हैं क्योंकि आपको आता नहीं। बन गया कितने लोगों ने बना लिया आंसर आ गया? Yes, मिला लेते हैं, पहला काम क्या किया? जो अंदर लिखा था उसे उठाया और किसके बीच पटका? माइनस वन से वन, फिर पहला कांटा चार, चार हटाने के लिए चार से गुणा,
मल्टीप्लाई करते ही माइनस फोर, यहां कितना मॉड एक्स माइनस टू और इधर कितना फोर, अगला कांटा माइनस टू, क्या करूं प्लस टू करवा दूं, प्लस टू कराते क्या हो जाएगा मॉड एक्स, यहां दो जोड़ते ही छह, यहां दो जोड़ते ही माइनस दो, अब आगे क्या करूं इग्नोर, हाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इग्नोर पहला काम, तो यहां पे बच गया कितना मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, इसका मतलब घोड़ा घास खाएगा कहां से कहां के बीच की माइनस सिक्स से सिक्स, सही है बिल्कुल वाजे बहुत शानदार, ठीक है मेरे सोच से अच्छा बहुत अच्छा। देखो अभी अपन हालांकि अभी अपने को ये भी नहीं पता साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्या, लेकिन आप डोमेन फील कर गए, क्यों, क्योंकि मैंने आपका नीचे का बेस पूरा तैयार कर दिया, मैंने कहा ना जिस दिन बिल्डिंग खड़ी हो गया वो तड़ातर 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 खड़ी हो गई, सिर्फ स्किन डालनी और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ वाई इक्वल टू में देखा कॉस इनवर्स फोर एक्स माइनस वन, डू इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फोर एक्स माइनस वन है ये ना, बस सिर्फ सिंपल ना कुछ नहीं, हो गया ना एक लाइन का क्वेश्चन था, मॉड भी नहीं अब की बार, तो एक्स ही तो निकालना है, निकाला वेरी गुड, क्या करूं बोलो, अरे फोर एक्स माइनस वन को पटका किसके किसके बीच में जल्दी बोलो, माइनस वन से वन, अगली बार क्या करूं कहां तक जाना है, जाना कहां तक ये बताओ, एक्स तक जाना है एक्स तक, पहला कांटा माइनस वन, क्या करूं माइनस वन हटाने के लिए वन वन जोड़ दो जीरो, इधर कितना बच गया फोर एक्स, इधर कितना बच गया टू, एक्स की वैल्यू बोलो कहां से कहां के बीच वन बाई टू और उधर कितना जीरो, आ गया आंसर खत्म, एक्स तक ही तो जाना था, नहीं है कोई बात नहीं, आपकी आंखें मेरे को अच्छा नहीं फील करा रही, मेरे को लग रहा है शायद एक आधी और जाना चाहिए, चुपचाप कॉपी के पीछे करके देख लो, अगर भाई दुबे नहीं बना तो आपकी बार क्वेश्चन कर लेना श्योर, चलो देखते हैं, ठीक है डोमेन ऑफ फोर एक्स माइनस थ्री, कॉपी के पीछे कर लेना इसको कहां कर जोड़ रहे, बस ऐसे ही बता दो आप, तो स्क्वायर कर देता हूं लो, अच्छा नहीं लग रहा था वही है क्या, ठीक है तो फिर चार एक्स माइनस तीन का आंसर बनाओ आप, तो मुझे तो चार एक्स माइनस तीन का आंसर दे दो, अगली लाइन दो लाइन यार क्या को कॉपी खराब करो, हो गया क्या थ्री होने पे यहां थ्री हो जाएगा, तीन तीन जोड़ना पड़ जाएगा, तीन जोड़ते कितना हो जाएगा चार, इधर कितना हो जाएगा दो, बैठे भाई फिर क्या करोगे वन बाई टू और यहां वन के बीच वन बाई टू से वन, ये आंसर हो गया yes, सही है क्या yes, अब है ना इसको क्या मैं कब तक पटकू, ये कर लिया वो कर लिया, ठीक है अरे नहीं अब चलेंगे ना आगे, मैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, हाँ भाई चलिए बताइए, ठीक है ये आपको ध्यान है कि अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं yes, क्या करते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, अरे भूल गए क्या भूल गए डोमेन ऑफ क्या अंडर रूट एफ एक्स कैसे निकालते हैं इज एफ एक्स क्या पुट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व, ये तो करते ना भाई श्योर yes, sure? जो भी अंदर वाला हो उसको उठा करके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के सामने पटक दो yes, और सॉल्व कर डालो श्योर है yes, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं बताना साहब, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अगर मान लो किसी ने पूछा डोमेन ऑफ दिस, ठीक है तो आप क्या करोगे इसको उठाओगे और किसके सामने पटक दोगे ग्रेटर देन जीरो के सामने और सॉल्व कर लोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन इक्वालिटी से, कैसे याद है क्वाड्रेटिक है, सबसे पहली कोशिश फैक्टराइज, फैक्टराइज हो गया क्या लो अब बोलो क्या करूं, यहां के बाद क्या करूं वाला, और देखो ना आंसर बोलो आंसर बोलो, मैं तो आंसर लिखू एक्स ग्रेटर देन टू यूनियन लेस देन माइनस वन, नहीं है ना अगला आपका है करोगे यस सर, अच्छा ठीक है चलो बताओ डोमेन ऑफ
अंडर रूट 2 मॉड एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 6 पूरे के नीचे डिवाइड बाई 6 क्या करोगे जो भी अंदर लिखा उसे उठा करके ग्रेटर देन जीरो बस ग्रेटर देन जीरो के सामने पटक दोगे तो पटक दो पहले तो पटक दिया फिर आपको कहां तक जाना है एक्स तक कांटे हटाते दो सिक्स को उधर फेंक दो जहां जीरो में चार को उधर फेंक दो जहां जीरो में आया अगले अंक में आंसर आ जाएगा कितने लोगों का आंसर आ गया मिलाऊं आपने उठाया 2 मॉड एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 6 को किसके सामने पटक दिया जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये तो जीरो में चला गया फिर अगला क्या इसको 67 हाँ यार मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 घोड़ा घास खाएगा 2 से ग्रेटर देन माने बाहर की अंदर की तो 2 के बाहर कहां का 2 से इन्फाइनेट और दूसरी तरफ यूनियन माइनस 2 से माइनस इन्फाइनेट आया कि नहीं आया नहीं आया थोड़ा और बढ़ा दूं लेवल चलेगा तेने फिर किया था कि नहीं किया था हाँ चल कल कर ले कर देगा ऐसा क्या है हाँ भाई पॉइंट पे आता हूं मैं भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक्चुअली क्या छोटे क्वेश्चंस पे थोड़ा ऊपर चला दूं लेवल मैं समझा देता हूं बस है ना आप कोशिश करना अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कहा डोमेन ऑफ ठीक है अंडर रूट में दे रखा है मॉड एक्स ना ना 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन में 2 माइनस मॉड एक्स कितना 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स प्लीज आप मैं ट्राई कीजिए ठीक है आपके लायक होता तो मैं आपको देता मैं आपको खुद चल के देता आप तो पहले समझ लो बस ठीक है कितने लोग मेरे को फर्स्ट लाइन बता देंगे बस उठाया 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन में कितना 2 माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अब दूसरी बात सुनना एक्स कभी भी नेगेटिव में लेके खेलता याद है आपको है ना मैं आज भी फेंके पैसे नहीं उठाता याद है ना आपको है ना तो अगर देखा जाए तो मॉड एक्स माइनस 1 यहां पे नीचे से देखा था मॉड एक्स माइनस 2 और होगा या नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला माइनस करा तो नीचे वाले ने भी माइनस करा के बैलेंस कर दिया आया यहां पहली गलती बच्चा ये करता है वाकई में जल्दबाजी में ही सही हम भी कर जाते हैं कई बार अगर स्ट्राइक ना करे तो पहली गलती यही हो जाती है ठीक है चलो जो भी है बच गया नजर आवा तो आगे बोलो ठीक है आगे आगे आपको समझाने के लिए एक बार के लिए लिख रहा हूं वाई माइनस 1 ऊपर y माई माइनस 2 नीचे y माइनस 1 ग्रेटर देन 0 क्या ख्याल है कितने ब्रैकेट नंबर लाइन नंबर लाइन पे दोनों वैल्यूज कितनी 1 और 2 सोच के जवाब देना ठीक है डिनोमिनेटर याद है आपको डिनोमिनेटर से y की वैल्यू बोलो 2 2 रखते ही इन्फाइनेट रोको या आने दू रोकने के लिए व्हाइट बॉल लग गई व्हाइट बॉल लगते प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 किसको चुनवा रहा है तो या तो 2 से या फिर पीछे अब ध्यान से सुनना कहानी में आप वाई के लिए खेल रहे हो लेकिन वाई एक्चुअल में कौन है मॉड एक्स तो पहले वाई के नाम से आंसर निकालूंगा मैं वाई के नाम से पहला मेरा आंसर आ रहा है वाई सुनना वाई ग्रेटर देन 2 वाई ग्रेटर देन 2 है ना यूनियन वाई बहुत ध्यान से सुनना वाई लेस देन इक्वल टू 1 सुनना ये यूनियन कहां से आ गया यूनियन माने सुनना मेरे हिंदी में डायलॉग सुनना तब समझ में आएगा वाई या तो 1 से छोटा या 2 से बड़ा या मैं एक ही टाइम पर दोनों जगह नहीं हो सकता मैं या तो इधर हूं या उधर जा सकता हूं नहीं आया और या माने यूनियन एंड माने इंटरसेक्शन याद आया कि नहीं आया एंड माने हिंदी में और या माने यूनियन हिंदी में ले लेना यहां पे ठीक है क्योंकि बीच में या चल रहा है वाई या तो 2 से बड़ा या 1 से छोटा लेकिन वाई कौन है इनडायरेक्ट वे में मॉडेक्स तो मॉडेक्स या तो 2 से बड़ा और इधर की तरफ देखा था मॉडेक्स 1 से छोटा एक मिनट कितने एक्स आएंगे आंसर में दो अरे दो तो मिनिमम आएंगे ही नहीं है अरे आंसर 4 आएंगे वो क्या लगे कितने एक्स आएंगे दो एक से ज्यादा एक साथ ही मांड वाली बोल गए क्या इंटरसेक्शन लेकिन यहां इंटरसेक्शन नहीं करना यूनियन करना है याद रखना बहुत पॉइंटेड बातें हैं क्योंकि यही आपको चक्कर देगा साला इंटरसेक्शन करूं यूनियन करूं ये तो सर ने बताया नहीं मेरे को बताया मैंने बोला या तो तू यहां या फिर वहां फिलहाल अभी इसकी बात करता हूं रेडी अच्छा कितने लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं मोडेक्स मारे घोड़ा 2 से बाहर की घास 2 से उधर कहां तक इन्फाइनेट इधर -2 से -इन्फाइनेट लिख दूं एक मिनट नंबर लाइन पे लिख के दिखा देता हूं 2 से या तो बाहर
या फिर माइनस दो से इधर एक यूनियन, यूनियन चल रहा है, यूनियन माने जोड़ के बताना है, कॉमन नहीं लेना, कॉमन नहीं लेना, यूनियन माने जोड़ जाड़ के आंसर देना मेरे को, है ना। इधर की वैल्यू बोलो, मोड एक्स माने गुणा, एक से अंदर की या बाहर की, अंदर की, माइनस वन से वन के बीच की, श्योर है आप, माइनस वन से वन के बीच की, और डॉट बॉल, राइट भाई। अब मैं दोनों को जोड़ के आंसर दे रहा हूं, जोड़ के, सिर्फ जोड़ के, माइनस दो से इन्फाइनाइट तक तो अकेला डील कर रहा था, उधर कह रहा था दो के आगे हम डील करेंगे, ये कह रहे हैं, है ना भाई, दोनों को दिखा दिया, अब बीच में माइनस वन से वन, राइट है, ये डील करेगा, कहानी पकड़ भाई, जोड़ के देना है, कॉमन को देना है, माने तीनों का आंसर हो गया। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फाइनेट टू माइनस टू यूनियन, माइनस वन टू वन यूनियन, टू टू इन्फाइनेट। कितने लोगों को क्लिक कर गया, पूरा मिटा रहा हूं, पूरा मिटा दू, श्योर, अभी भी एक मिनट तड़पने से पहले देख लो आप, साइन चेंज किया, वाई माना, नंबर लाइन पे पटका, उसको बकायदा लिखा, लिखने के बाद मोड में बदला, दोनों आंसर को कॉपी किया और जोड़ के आंसर, दोबारा ये क्या किया, साइन चेंज, फिर क्या किया, वाई में, फिर क्या किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, फिर अपना आंसर लिख लिया, लिखने के बाद उसे किस में बदला, मोड में, मोड को रिप्रेजेंट किया और जोड़ के जवाब दिया, मिटा दू, श्योर है, नहीं लिख लो, चलो हाँ, क्यों डर, हाँ तो अपने आप ही लिख लोगे ना वैसे भी, कट गए बाप, है ना, थोड़ा और बड़ा खेल लूं, आपकी इजाजत हो तो, है ना, बड़ा है ना, जिसके लिए अगर आप मेरे से आप ये इलेवंथ में पढ़ रहे होते, मैंने अलग ही कई लोगों ने मॉड पढ़ा था, लेकिन ये फंक्शन अगर इलेवंथ में पढ़ा होता तो मैं इस साल मॉड का पहला क्वेश्चन ये लगाता, जैसे मैंने लॉग में कल के दिन का पहला क्वेश्चन कुछ और लगाया था, जबकि जब मैंने लॉग पढ़ाया था तब कुछ और लगा रहा था मैं, शुरू के 12 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं था जैसा क्वेश्चन हमने कल के दिन पहला पहला उठाया था, आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो, अपनी पूरी कॉपी में नहीं है वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन वो उठाया था, मैं अच्छे जानता हूं, और जितने भी क्वेश्चन उठाए उनका सारे का तरीका कुछ और था और ट्वेल्थ में कुछ और है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, और वही सीन है असलियत में, यार बच्चे को देख करके पहचानना पड़ता है कि इसकी हैसियत कहां है बेचारे की, इसकी कमर पे आप इतना भारी बोझ रखते हो, वैसे मरा पड़ा है, ठीक है, वो 11 से टूटा हुआ आया है, टूटा हुआ। अच्छा यार अभी फिलहाल इतना ज्ञानवर्धन नहीं करते, अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, राइट है, किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस चार, पीछे माइनस टू, उसका पुनः मॉड, उस पूरे के बाहर तीन, फिर से मॉड, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व। सुना नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है, नियम क्या कहता है वो पकड़ो आप, नियम कहता है कि अगर ये मॉड में दिया है, पहला आदमी जो मॉड में दिया दिख रहा है आपको, फर्स्ट पर्सन जो मॉड में है, नियम क्या कहता है वो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आप ये नहीं कहो कि कभी जिंदगी में आपसे किसी ने बात नहीं की। मॉड ये कहता है कि जो भी अंदर दिया गया है उसके बारे में अगर चल करके किसी ने कुछ नहीं बताया है तो 100% बात है कि आप उसके बारे में जानते हो। आप में से हर एक जने जानता है क्वाड्रेटिक है, तो या तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव होगी, क्योंकि इसने बाहर कुछ नहीं बताया अपने बारे में, तो मुझे ही पता करना पड़ेगा कि इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक विद विद व्हाट, विद ए वन, दिख रहा है आपको, इसका ए वन है, और डी निकाल लेते हम लोग, डी की वैल्यू होगी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू एक इंटू चार, सोचो कितना, माइनस 15, हाँ या ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और डी, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, माने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, इसका मतलब ये 100% पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड क्या कहेगा, यार मैं क्या कर रहा हूं, यार मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं तो जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं, ये चला गया, इसके जाते ही क्या हुआ, ये डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, इसे पता चल गया पूरी क्वाड्रेटिक कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है।
और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है ना तो इसके पॉजिटिव होते हट गया, हटते क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस चार, ना ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस चार बाहर आ गया और पीछे से कौन आ गया माइनस टू, नहीं आया जॉन में, और इसके पीछे का मॉड अभी भी जिंदा है ना भाई, अच्छा और उसके पीछे का मॉड माइनस तीन के साथ बाहर भी जिंदा है, उधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह मुंह चकर करके इंतजार कर रहे हैं तुम लोग, पहले लड़ लो, कितने लोगों को समझ में आ गया क्या बच गया, क्या बच गया, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू माइनस थ्री इज ग्रेटर देन, याद है मैंने अभी अभी ऊपर एक कंसेप्ट बोला था किसी को अगर याद हो तो, कि अगर अंदर वाले के बारे में आपको नहीं पता तो आपकी गलत फहमी 100% पता है आपको, वरना वो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं करता। कितने लोगों को फिर समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक विद ए की वैल्यू कितनी वन जो कि पॉजिटिव, बी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू एक इंटू दो कितनी आई माइनस सेवन, नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसका मतलब पूरी क्वाड्रेटिक कैसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर से ये वाला मॉड भी हटेगा, और अगर ये हट गया तो आप में से हर एक जने को ये समझ में आ जाएगा कि जो बच गया वो क्या है, देखो जरा जो बच गया वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू है ना, और पीछे कितना माइनस थ्री, और पीछे वापस से एक मॉड अभी भी जिंदा है और सामने से इंतजार कर रहा है कि यार तुम लोग लड़ लो पहले, ठीक है फिर आ जाना इधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन रह गया और उधर की तरफ कौन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह, क्या गया फिर से क्वाड्रेटिक में आ गया, फिर एक देखने का टाइम आया, देखो जरा सुनना बहुत ध्यान से देखना, ए कितना वन जो कि पॉजिटिव, डी देखो आप डी है माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू एक इंटू माइनस एक जो कि पांच आ गया, ओ माय गुडनेस ये तो पॉजिटिव आ गया, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, डी के पॉजिटिव आते ही क्वाड्रेटिक पॉजिटिव नहीं हुई, डी अगर पॉजिटिव आ गया मान्य फैक्टराइजेशन संभव है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल, फैक्टर होंगे, समझ में आया आपको, डी पॉजिटिव आ गया, डी नेगेटिव आ जाता तो फैक्टर नहीं होता डायरेक्ट बाहर आ जाता, लेकिन क्योंकि डी पॉजिटिव आ गया तो फैक्टर होंगे, और अगर डी पॉजिटिव आ गया तो फैक्टर होंगे तो दिमाग के फिर घोड़े जोड़े हैं कि अगर आप में से किसी बताओ फैक्टर होंगे तो बाद में देखेंगे, पहला काम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, राइट है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि हमारे पास में एक तरीका तो यह है कि ये जो सामने बैठा है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसके बारे में हमें पता है ये कैसी क्वांटिटी है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मॉड में है, इसका 100% एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह को पॉजिटिव होना चाहिए, एक बात राइट है, अच्छा और अगर बाय द वे ऐसी बात है तो इसको तोड़ सकते हैं क्या अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अच्छा तब तक अपन दिमाग लगाते हैं क्या फैक्टर क्या होंगे इसके, कितनी वन प्लस रूट फाइव बाई टू, श्योर हो आप, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने जैसा आदेश दिया मैं लिख लेता हूं, वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई टू एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर एक्स माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू दूसरा फैक्टर और सामने से कौन है, सामने से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह, रेडी क्या नहीं आया, अच्छा 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 आ गया आ गया, इधर वाले का हिसाब भी बना ले तब तक, इसके फैक्टर होते हैं क्या, बिल्कुल हो गए, एक बालक ने कर लिए बराबर, कितना आ गया एक्स प्लस चार एक्स माइनस तीन जो कि कैसा है पॉजिटिव रखना है राइट है, और अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो इसका नंबर कहां से कहां तक के बीच में आ गया, यार सीधी बात दो ब्रैकेट बाला है ना तो तीन से बड़ा एक्स, या तो तीन से बड़ा होगा या फिर यूनियन एक्स कैसा होगा माइनस चार से छोटा, एक आंसर तो यहां से आ गया, अच्छा 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 और क्या कर सकते हैं आगे क्या करें, ये नहीं समझ में आ रहा बस अपने को क्या करें, पॉजिटिव तो नहीं था और सोचते हैं, नहीं मैं सोच रहा हूं इतनी दूर तक आपको लेके जाऊं या नहीं जाऊं, बस ये है मेरे लिए कठिन, ले चलता हूं चलो थोड़ी देर के लिए ना, देखो जरा नंबर लाइन पे दिखाता हूं, पहले नंबर लाइन पे सबको बताएं वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू यहां होगा और ये वन माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू यहां होगा, होगा अच्छा प्लस माइनस प्लस भी होगा राइट है, अच्छा सुना वन प्लस रूट फाइव के आगे ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, इसके पीछे भी सारा फंक्शन पॉजिटिव है, और अगर इन दोनों के बीच में अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है
तो इसके टाइम पे मॉडुलस की जरूरत नहीं है। तो मैं केस मानूंगा कि जब इसके मॉडुलस की जरूरत नहीं है तब ये एडिटेज बाहर आएगा, ये बाहर आएगा माने ये बाहर आएगा, ये बाहर आते ही इससे भिड़ जाएगा, केस बन जाएगा यहां से। राइट है? नहीं आया। मैं दोबारा बोलता हूं, मेरी बात को दोबारा बोलता हूं, दोबारा पूरी बात बोलता हूं। मैं ही मान के चलूंगा कि एक्स अगर या तो इससे बड़ा है या इससे छोटा है, दोनों ही केसेस में ये पॉजिटिव है, माने ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये मॉड के बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही क्या होगा? बाहर आते ही क्या होगा? देखो मैं केस बना के दिखाता हूं, ठीक है ना? मैं आपको केस को दिखा रहा हूं। रेडी? अब ऐसे दो केस ड्राइव हो जाएंगे अगर आप संभाल पाओ तो। दो केस कौन कौन से होंगे? केस नंबर वन, केस वन, ठीक है? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन प्लस वन माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू यूनियन, ठीक है, यूनियन वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू टू इंफिनिटी। मैं पहला केस ये ले रहा हूं, ले लू। इस दौरान में मुझे पता है ये पॉजिटिव माने ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह। और जैसे ये होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा 2x बराबर 11, x बराबर कितना 11 बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 11 बटा 2 अपने आप में कितना होता है 5.5, हाँ है ना? और 5.5 इसमें आएगा, इंटरवल में आएगा भी। तो एक्चुअल आंसर हो गया x बराबर में कितना 5.5, पहला आंसर। और दूसरा केस क्या होगा? केस नंबर टू क्या होगा? केस नंबर टू ये होगा कि जब x जो है वो अपने आप में 1 माइनस अंडरूट 5 बाई 2 से लेकर के 1 प्लस रूट 5 बाई 2 के बीच में हो तब अंदर वाला नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह हो जाएगा। राइट है? और इस बार क्या होगा? एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये एक सेकंड सबको इधर लाया, ये प्लस का 1 और ये कितना हो गया 13। तो x बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 13 बाई 2। सही है भाई? अंडर रूट 13 का मतलब कितना होता है? अंडर रूट 16 होता तो 4, 4 से थोड़ा कम 3.1, 1.5 हो गया, 1.7 ले लेता हूं एक बार, ठीक है? अच्छा, लेकिन 1.7 अपने आप में इसके और इसके बीच में आता भी है, बिल्कुल इसमें आता भी है। तो अपना दूसरा आंसर हो गया 1.7। तो एक आंसर तो हुआ 1.7 और एक आंसर हुआ 5.5। संभाल गए? दो आंसर हो गए, ठीक है? तो अपने को इस केस की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वाले केस की, अपनी तरफ से सिर्फ इसी केस से काम चल गया मेरा। आया? मैंने कहा तो थोड़ा सा गंदा है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई मतलब नहीं है, है ना? एक बार जब ये पॉजिटिव है, एक बार जब ये नेगेटिव है। नहीं देखो मैं बताता हूं, और एक और बात आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको बताता हूं क्या एक्चुअली मैंने बताया नहीं। मैंने कहा यार पहले आपकी आंखें देख ली थी, मैंने कहा यार अभी ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे, अभी ढेर हो जाएंगे, बिल्कुल धाड़ कर जाएंगे, ठीक है? एक्चुअली यहां प्लस माइनस आ रहा था, तो प्लस माइनस में से जो प्लस वाला हिस्सा था वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन माइनस का 1.7 जो है ना वो इससे बाहर चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर भाई जैसे मैंने इस केस में ध्यान नहीं दिया तो मैं एक केस नहीं बताया मैंने, लेकिन अगर पता होता तो मैं बताता अभी। हाँ नहीं, फिर केस में नहीं गिनते उसे, नो सॉल्यूशन गिनते। हो गया? अभी ज्यादा हो गया है ना, ये वाला बहुत भारी कर दिया मैंने। जेलेबल है? मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं जल्दी से, बस एक चीज और खत्म करा करके चलते हैं बना। देख आज के लिए वाइंड अप कर देते हैं, बाकी जगह मॉड वर्ड की इनइक्वालिटी नहीं हुई ना, वहां तो सिर्फ इनइक्वालिटी हुई है ना। अब आप एक और लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं, थोड़ा सा जल्दी से इसको संभाल लें। राइट है? चलिए, हम इस वजह से कुछ लोगों ने सीख रखा है इसलिए कई लोग जल्दी समझ जाएंगे, कुछ को टाइम लगेगा। रेडी है ना? आइए बात करते हैं क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए ऐसी बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है y बराबर में मॉड x माइनस वन का ग्राफ, मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? y बराबर मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है सर, ये ऐसा, ठीक है ना भाई? इस प्रकार का v बनाया, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 45 45। क्या आपको पता है मॉड x की कितनी वैल्यूज होती है? दो। कौन कौन सी? x और माइनस x। अरे भूल गए क्या? x कब? जब x कैसा हो पॉजिटिव, माइनस x कब? जब x कैसा हो नेगेटिव। हाँ है ना? तो y की दो वैल्यूज हुई, और ये y की दो वैल्यूज ही, इसकी दो अलग अलग साइड है,
एक की वैल्यू है y इक्वल टू कितनी x, और दूसरे की वैल्यू कितनी है y इक्वल टू माइनस x. ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू माइनस x, इसकी दो लेग्स होगी, है ना. अच्छा, वैसे ही अगर कल को सपोज करो y इज इक्वल टू में मॉड ऑफ x माइनस वन हो जाए तो ग्राफ कैसा होता है. पहली बात टर्निंग पॉइंट बोलो वन, तो वन पर बस बिल्कुल यही ग्राफ बना दोबारा, तो इसकी भी सब दो लेग्स होंगी. मैंने कहा कौन कौन सी, मैंने कहा एक बार ऐसा वैसा x प्लस एक्स माइनस वन और एक बार माइनस एक्स माइनस वन. नहीं आया समझ में, आया है ना. अब जल्दी से बता दो अगर आपको ये समझ में आ गया तो, कितने लोग मेरे लिए y इज इक्वल टू में है ना मॉड ऑफ x प्लस टू सोच लेंगे. टर्निंग पॉइंट माइनस टू, माइनस टू माइनस टू लीजिए माइनस टू. अब बोलो फिर ये v, अब बोलो इसकी वैल्यू बोलो y इक्वल टू कितना x प्लस टू. अगला बोलो y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस टू. कहानी क्लिक करी कि नहीं करी, कर गई है कि नहीं. हटाओ, अब आप बनाओ, मुझे बना के बताओ. ठीक है, आपका काम है y इज इक्वल टू मुझे बना रहे हो x प्लस फाइव, बनाइए मॉड ऑफ x प्लस फाइव. हो गया क्या, श्योर हैं आप? अच्छा, अगर मैंने मॉड ऑफ x प्लस फाइव बनाया तो आप बताइए कहां पे बनाया, x इक्वल टू कितने पे, माइनस फाइव पे. हाँ या ना, कैसा v, इसकी वैल्यू बोलो y इक्वल टू x प्लस फाइव, इसकी वैल्यू बोलो y इक्वल टू माइनस x प्लस फाइव. अब तो आपको समझ में आ गया ना, है ना. ये तो बस सिंगल का. अब समझ, अब वो सपोज करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब सपोज करो कि आपको कल को क्वेश्चन वाले ने बनाने को दे दिया, ठीक है ना. बहुत ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने आपने को बनाने को दे दिया मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस में देगा मॉड ऑफ x माइनस थ्री, है ना. मैं तो सिर्फ दो तीन क्वेश्चन पूछता हूं, आप तो जवाब उसका दे देना. टर्निंग पॉइंट बोलो इसका, इसका बोलो थ्री. नंबर लाइन पे एक और तीन रख के दिखाता हूं, एक और तीन रख दिया. कितने लोगों को पता है कि एक और तीन रखने से नंबर लाइन के कितने हिस्से हो गए, एक जो तीन से बड़ा, एक जो तीन और एक के, और एक जो एक से छोटा. इसलिए दुनिया तीन हिस्से करवाती है. पहला जो x कैसा, तीन से बड़ा. दूसरा कौन सा, x जो तीन और एक के बीच में. और तीसरा x जो एक से छोटा. क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? कॉपी तो करना ही नहीं है, भूल जाओ, काफी देर तो कॉपी नहीं करना, सिर्फ याद करना है, समझना है. अब अपन आगे चल रहे हैं, मतलब अब और आगे की सीढ़ियां पहले पकड़ेंगे ताकि मैं बिल्कुल सहज वाली कंडीशन में आ जाऊं, कि मैंने इतना सिखा दिया, इतनी दूर के बाद में मैं आपसे पूछ सकता हूं. कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अब जरा मन मन से सोचना, कोई एक ऐसी वैल्यू जो तीन से बड़ी हो. चार, चार यहां रखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां रखो दोनों पॉजिटिव. अब बोलते मॉड को पता चलता है अंदर वाला पॉजिटिव, तो कैसे निकालता है, एज इट इज या माइनस के साथ, एज इट इज. अगर उसने एज इट इज निकाल दिया तो x माइनस वन प्लस x माइनस थ्री. कहानी पकड़ भाई? अब जल्दी सोचो x की कोई वैल्यू जो एक और तीन के बीच हो, टू है ना. दो यहां रखो, यहां रखो, जो पॉजिटिव कैसा बाहर आएगा, एज इट इज, तो लिख दू x माइनस वन, और ये कैसा नेगेटिव, तो माइनस के साथ. क्लियर है कि नहीं? नहीं आया. अच्छा, एक वैल्यू सोचो जो एक से छोटी, कोई वैल्यू, जीरो रखो, नेगेटिव यहां रखो, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव तो दोनों माइनस के साथ, तो माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस थ्री. आई कि नहीं आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जल्दी से और आगे चलो, इन दोनों की वैल्यू जोड़ो, माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस का टू एक्स, एक और तीन चार, सही है कि नहीं? अच्छा एक मिनट, ये एक्स और एक्स कट गया, तीन में से एक गया दो, राइट है. इधर जोड़ो नीचे वाले को, टू एक्स माइनस चार. ये कब जब x एक से छोटा हो, ये कब जब x तीन से बड़ा हो, और ये कब जब x कैसा हो, तीन और एक के बीच में. कितने लोगों को बात समझ में आ गई? श्योर? या तो मैं कोई दर है ना. इसे कहते हैं डिफाइन करना. आपने इसको डिफाइन करना सीखा. अब टर्निंग पॉइंट देखो दोबारा से, टर्निंग पॉइंट समझ में आए? टर्निंग पॉइंट के कारण तीन हिस्से हुए, समझ में आए? हर हिस्से पे अपन ने वैल्यू रख रख के चेक करी, पॉजिटिव थी तो एडिटिव ली, नेगेटिव थी तो माइनस के साथ कॉपी करी, बाकी जोड़ा दड़ी करी, घटाए घटे ही करी, और कुछ नहीं करा. यहां तक पहले आप कॉपी कर लो, फिर बात करता हूं आगे. हाँ, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से छोटा, हाँ, एक से छोटा या एक के बराबर. नहीं, एक क्यों रख रहे हो आप, ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो, संवेदना मत रखो ना, तो कंफ्यूज होता है ना वहां पे, कंफ्यूजन का काम ऐसा क्यों कर रहे हो आप. तो बिल्कुल एट डॉट रखो ना, छोटी वैल्यू, ताकि प्लस और माइनस क्लियर हो. जीरो पे आपको क्लिक ही नहीं करेगा, प्लस रखो माइनस रखो, जीरो एक पॉइंट है ना, वहां कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमेशा, है ना. अगला, मैं जानता हूं सच सोच रहे थे. कॉपी, अगला नेक्स्ट पॉइंट बताऊं.
ये मैं आपको एक ही बार लिखवा रहा हूं और उसके बाद हम इसको कभी नहीं लिखेंगे, बस सीधा यहां 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 उतरेगा यहां, ठीक है? बस हम देखोगे और बताओगे हाँ 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 ऐसा। ये क्यों लिखवा रहा हूं फिर? ताकि वो दिन जब आपको ये याद ना रहे, उस दिन के लिए। लिख लिया क्या? बस लिखवाना अपना धर्म है इसलिए लिखवा रहा हूं। जैसे ये खत्म हो जाएगा यहां के बाद नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये सब अपन 25 बार करेंगे और लास्ट बार जब अपन करके उठेंगे ना तो इनमें से कुछ नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे और बताएंगे। वो स्टेज चाहिए बस अपने को तो। हाँ भाई हो गया? अब क्या आपको टर्निंग पॉइंट पकड़ना आया? ऐसे तीन पार्ट करना आ गया, प्लस माइनस करना आ गया। अब नजर फेरो, ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? माने ये इसका नेगेटिव है और ये हर बार होगा, तो एक किसी को भी निकालने तो दूसरे निकालने की जरूरत है क्या? तुरंत जो भी यहां लिखा उसका नेगेटिव करना है। ये तो कहानी पकड़ में आती है ना? अच्छा ये कौन है? दो। एक्चुअल में तीन में से एक गया, दो बचता है कि नहीं बचता? डायरेक्ट देखो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो क्यों टाइम खराब कर रहे हैं अपन? कहानी पकड़ में आ गई, अब आ जाओ, है ना? अब कुछ नहीं करना, फिर जो बार एक बार देखना है, ठीक है? वाई इज इक्वल टू, मैं सपोज करो जैसे किसी ने लिख दिया मॉड एक्स प्लस में देखा मॉड एफ एक्स मैंने चार। बोलो टर्निंग पॉइंट क्या क्या? जीरो और चार। कितने हिस्से करूं? तीन। कौन कौन से? पहला एक्स कैसा? चार से बड़ा। दूसरा एक्स कहां से कहां के बीच? अगला कौन सा? जीरो छोटा। सही कि नहीं? देखो करो चार से बड़ा सोच लो, पांच रखने पर दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव माने मॉड की जरूरत है क्या? ऐसे ही जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ दो। बोलो ना जोड़ करके, टू एक्स माइनस फोर, तो ऊपर माइनस टू एक्स प्लस फोर। चार में से घटा दो जीरो, चार में से जीरो चार नहीं आया। अगला दोबारा एक सेकंड करो करो, अभी मिटाते हैं। जिनको नहीं आया उनके लिए भी तो जरूरी है ना, अपन सोचना चालू तो रखें। वाइज गोड़ो में कल को किसी ने दे दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस में देगा मॉड ऑफ एक्स माइनस पांच। टर्निंग पॉइंट बोलो एक और पांच। यहां पे क्या लिखूं? एक पांच से। यहां पे क्या लिखूं? पांच और एक के बीच में। यहां क्या लिखूं? एक से छोटा है कि नहीं भाई? अच्छा पांच से बड़ा तो दोनों पॉजिटिव, जोड़ दूं कितना लिखूं? टू एक्स माइनस सिक्स का जोड़ना है ऊपर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स और पांच में से क्या? कहानी पकड़ में आ गई? कोई मुश्किल? मैंने कहा था ना कुछ देर के बाद तो ये होगा कि आप डायरेक्ट देखा जवाब देखा जवाब देखा जवाब। और ये तो अपन यहां कर रहे हैं, अभी भी हल्का चल रहे हैं, बहुत हल्का। अभी भी अपन घटियापंथी पर उतरे हैं, घटियापंथी पर कुछ नहीं कर रहे। अब जरा इस चीज को भी समझो। रेडी? मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। हाँ भाई लास्ट 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 बहुत थक गया यार। वाई इक्वल टू एक्स कौन? वाई इक्वल टू एक्स। ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स। बहुत ध्यान से सुनना, ये ना टाइम नहीं खराब कर रहा इसमें। अगर ये वाई इक्वल टू एक्स तो टू एक्स कैसा होगा? हल्का सा ऊंचा। टू एक्स हल्का सा ऊंचा। हल्का सा ऊंचा माने सर यू? मैंने कहा हाँ यू। अच्छा वाई इक्वल टू टू एक्स हल्का सा ऊंचा, ओके सर। और वाई इक्वल टू पांच एक्स थोड़ा सा और ऊंचा कर ले। अपन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतना भी नहीं होता, बहुत हल्का सा ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी मार्जिनल डिफरेंस दिखता है वाई इक्वल टू पांच एक्स। बात समझ में? इसका मतलब सर कोफिशिएंट बढ़ाऊंगा इधर भागेगा? मैंने कहा हाँ। और सर माइनस पांच एक्स होता तो? मैंने माइनस पांच एक्स होता। देख ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स कैसा होता? माइनस टू एक्स भी ऐसे ही होता। इसको ऊंचा करते हैं, हाँ इसको भी ऊंचा करते हैं, तो वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स। अच्छा और माइनस पांच एक्स होता तो थोड़ा सा और ऊंचा कर ले। नहीं आया समझ में? आया समझ में या नहीं आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे कोफिशिएंट बढ़ेगा दोनों साइड से उधर मूव करेंगे? आया? अब दूसरी बात सुनना, अगर कल को किसी ने पूछ लिया वाई इज गुड में टू एक्स माइनस चार का ग्राफ बनाओ, किसका? टू एक्स माइनस चार का। तो पहला मन में सोचेगा वाई इज गुड एक्स, फिर करेगा टू एक्स। टू एक्स माने हल्का सा ऊपर, ये वाई इज गुड टू एक्स। अब ये वाई इज गुड टू एक्स है, फिर लिखा माइनस चार। माइनस चार माने चार नीचे, माइनस चार माने चार नीचे, चार नीचे, राइट है कि नहीं? चार नीचे माने इसको पकड़ा, किसको? इस लाइन को पकड़ा और इस लाइन को पकड़ करके, देखो दोबारा बता देता हूं, इस लाइन को पकड़ा, दिख रहा आपको? वाई इज गुड टू एक्स को और चार नीचे कर दिया। चार नीचे कर दिया मैंने, अभी जीरो से गुजर रहा था और माइनस चार से गुजरेगा, बिल्कुल इसके पैरेलल। वाई इज गुड टू एक्स माइनस चार, पकड़ में आ गया? मैं दोबारा बोल देता हूँ, वाई इज गुड कितना? टू एक्स माइनस चार। और सर अगर वाई इज गुड में टू एक्स प्लस थ्री होता तो तीन ऊपर, तीन ऊपर कैसे करते? टू एक्स को तीन ऊंचा कर देते, कहां से गुजरता? जीरो कमा तीन से।
आया कि नहीं आया? नहीं आया। और सर अगर y इक्वल में माइनस टू एक्स प्लस सिक्स होता तो माइनस टू एक्स प्लस सिक्स तो पहला क्या बना था? माइनस टू एक्स और प्लस छह, प्लस से माने छह ऊंचा। नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा अगर आपको ये सारी बातें आ रही है, मिटा रहा हूं ठीक है। अच्छा इधर मिटा दिया। रेडी? अब जरा समझना, कितने लोग देखते हैं समझदार है? राइट है, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। पहले तीन हिस्से, कौन कौन से? दो हिस्से, एक और पांच, देख रहे हैं? देखो तो पहला एक्स इजुकड वन, ये एक्स इजुकड वन कैसे? ये एक्स इजुकड जीरो है, ये एक्स इजुकड वन होगा। अरे एक्स जीरो के पैरेलल होगा, एक्स इजुकड पांच थोड़ा और आगे, लो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब क्या करोगे सर? मैंने कहा पहला काम एक और पांच के बीच में, एक और पांच के बीच में क्या लिखा? वाई इक्वल टू फोर। एक और पांच के बीच में वाई इक्वल टू फोर, कितने लोग जानते हैं कि इसको लिखते हैं वाई इक्वल टू जीरो? तो वाई इक्वल टू फोर कैसा होगा? इसके पैरेलल चार ऊंचा, लो वाई इक्वल टू फोर बन गया सर। हाँ, क्योंकि बीच में रखना था। फिर अगला क्या? अगला सुनना, अगला है जब पांच से बड़ा है, पांच से बड़ा तो किसका ग्राफ? टू एक्स माइनस सिक्स, देखना जरा टू एक्स दिख रहे हैं? वाई इक्वल टू टू एक्स नहीं है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स माने छह नीचे कर दो तो ये लाइन यूज आएगी, यूज आएगी और बिल्कुल यहां से टच करती हुई निकलेगी। ये कहां से? खुद कहां से गुजरी? माइनस छह से। नहीं है? अच्छा दूसरा वाला सुना, वाई इज इक्वल टू में इधर एक्स ग्रेटर देन वन पे माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, माइनस टू एक्स समझते हैं आप? माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माने छह ऊपर, अगर छह ऊपर होगी तो बिल्कुल यहां से गुजरेगी, दिख रहा आपको? अच्छा सुना, लेकिन इनके कौन कौन से हिस्से एक्सेप्ट करे जाएंगे? ये पांच से आगे है, एक्स ग्रेटर देन पांच दिख रहे हैं? पांच के आगे तो सिर्फ इतना हिस्सा पकड़ा जाएगा, इतना मिटवा दिया जाएगा कि भाई इसको उठा लो आप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा इधर ये वाली लाइन जो है वाई कोडू में, ये तो हुई वाई कोडू में कितना? टू एक्स माइनस सिक्स, राइट है कि नहीं भाई? अब ये वाली लाइन कौन सी है? वाई कोडू में कितनी? माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, और ये कितने में काम कर रही है? माइनस टू एक्स प्लस सिक्स किस में काम कर रही है? एक्स लेस देन वन में, लेस देन वन का मतलब समझते हो? एक से पीछे, तो एक से पीछे का ये सिर्फ इतना हिस्सा एक्स लेस देन वन है, पीछे का सारा हिस्सा मिटवा दिया जाएगा। क्या आपको कहानी पकड़ में आई कि नहीं? और फाइनली ये ग्राफ मेरी दुनिया में रह जाएगा, आया कि नहीं आया? पर इस ग्राफ को अभी आपने नाम सुना, कौन सा ग्राफ है? बोट, बोट ग्राफ। अरे नाव होती है ना पानी की, वैसा ग्राफ है ना, तो दुनिया देखते ही समझ जाती बोट ग्राफ बनाना है। कब बोट ग्राफ बनाना है? जब कैसे हो, दो मॉड हो, प्लस हो दोनों के बीच। बेस पकड़ में आ गया है ना? कितनी देर में कॉपी कर लोगे? एक मिनट में या तीस सेकंड में? तीस सेकंड से एक मिनट, ठीक है। वो बात अगर नेगेटिव होता तो यहां पे चेंज होते, यहां चेंज होता। हाँ इक्वेशन होती फिर मैं उसके हिसाब से ये सीन बनाता जाता, अगर बीच में नेगेटिव होता था, जनरली पॉजिटिव इक्वेशन होता। नहीं तीन आती केस तो तीन ही बनते ना, अगर माइनस होता तो भी नहीं, तब ऐसा केस बनता। देख मैं बताता हूं ऐसा वाला होता, देख ये और ये बनता, तब इधर वाले इधर उधर वाले नंबर, ये दोनों तो नंबर होते और बीच में एक इक्वेशन बन जाती। आया? तोड़ दो। नहीं कोई जरूरी नहीं है, आपने प्लस सिक्स माइनस सिक्स कर दिया तो कहां से बन गया? अरे तीस सेकंड का तो कब से खेल हो गया भाई? नहीं अगले पीरियड के बच्चे उड़ रहे हैं, देखो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। आओ सोचो, मैं आपको कह रहा था ना कोई कीमत पे जल्दी में सारे हैं, ठीक है, लेकिन ये हटा रहा हूं, रेडी हटा दू, ठीक है, आर यू रेडी? हाँ साहब, देखिए साहब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, ठीक है। तो आगे से आप ये मानते हैं कि जब भी दो मॉड के बीच में प्लस होगा बोट ग्राफ बनेगा?
हाँ या ना। अब इसका बोर्ड ग्राफ बनाने का टाइम आया, इसका बोर्ड ग्राफ बनाऊंगा, ये सब मैं नहीं जानता क्या लिखा है, राइट है भाई, ये मैं नहीं जानता क्या लिखा है, मैंने हटा दिया सारा कुछ, राइट है, मेरे को तो मतलब भी नहीं है, मैं तो डायरेक्ट ग्राफ बनाने में यकीन करता हूं। पहला काम देखो साहब, मिलाओ मेरे साथ में, टर्निंग पॉइंट बोलो क्या क्या है, 1 और 3, x = 1, x = 3 लिख दो, बताओ साहब, पहला काम x = 1, x = 3 लिखा मैंने, पहले बोट बना ली, मेरे को मतलब ही नहीं है कांकरी बोट, हाँ या ना, बोट पहले बना रहा हूं, भरूंगा बाद में, सही है कि नहीं। अब देखो जरा बोट की अगर बात करता हूं, क्या भरना है ना, लो भरते हैं, आओ सब सोचते हैं, आओ ये भरना है, y = कितना 2, लो इन दोनों का सम, अरे जोड़ के तो बोलना है, तो y = कितना 2x - 4, और उधर क्या लिखना है, आप बताओ मेरे को क्या जिंदगी में जरूरत है क्या ये सब बकवास लिखने की, क्या आपको समझ में आया, मैं आपको कहता था ना बस उसके बाद तो अपन ये करेंगे, देखेंगे और बोल लेंगे, कितने लोग तैयार हैं, बोलो आप तो डायरेक्ट बोलो ग्राफ बना दूं, हाँ साहब ग्राफ कहां का बनाऊं, जीरो और एक तो जीरो तो यही और टू यहां, लो साहब बन दिया, अब बोलो वाई कर दू टू, ये बोलो वाई कर दू टू एक्स, ये बोलो वाई कर दू माइनस ऑफ टू एक्स माइनस टू, कितने लोग अब डिफाइन कर लेंगे इसको देख के डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, ये टू है ये एक्स कितना है जीरो है, तो बताओ पूरी कहानी में टर्निंग पॉइंट क्या क्या बने, एक्स दो से बड़ा, एक्स दो और जीरो के बीच में, या एक्स के साथ जीरो से छोटा, एक्स अगर दो से बड़ा तो कौन टू एक्स माइनस टू, यहां पे कौन दो और यहां पे कितना माइनस टू एक्स माइनस टू, खत्म है कहानी पकड़ भाई, यहां से यहां जा रहे थे अब अपन उल्टे आ रहे हैं, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया सोचो, ठीक है, और खोलना अपने बात है, ये कल को प्लस आए माइनस आए अपन कर ही सकते हैं, कहानी पकड़ में आ गई है ना, अब लास्ट में बस है ना, ताकि गरीब बच्चा खुश हो जाए, हम लोग है ना यहां से फारिग होते हैं, ठीक है, अब आपकी नजर जिस चीज पे पड़नी चाहिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, y इक्वल टू में अगर मॉड ऑफ x माइनस वन दिया है, y इक्वल टू में कल को अगर मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री दिया है, ठीक है, या फिर y इक्वल टू में कल को अगर मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री माइनस प्लस में मॉड ऑफ x माइनस फाइव दिया है, राइट है भाई, अब जरा जल्दी सोच के जवाब देना, कितने लोगों को याद है इसका ग्राफ, टर्निंग पॉइंट बोलो वन, कैसा वी याद है कि नहीं है, भूल गए, वैल्यू बोलो वाई इज इक्वल टू कितना एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू बोलो वाई इक्वल टू कितना माइनस एक्स माइनस वन, अच्छा जल्दी से बताओ इसका ग्राफ कैसा, बोर्ड ग्राफ, वैल्यू बोलो कहां का, एक और तीन, राइट है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, अब इसका सोचो, अल्लाह इसका तो कभी बनाया नहीं, टर्निंग पॉइंट बोलो आप तो जल्दी से, एक्स बराबर एक, एक्स बराबर तीन और एक्स बराबर पांच, यहां तक ही कहानी पकड़ में आ गई, अब देखो बड़ा प्यार से समझ में आएगा आपको, कितने मोड, एक और इसमें दो, मोड या मॉड, अपन तो मोड सुनते थे, एक मोड, कितने मोड, दो मोड, एक गिरा, तो कितने मोड होंगे, तीन मोड, देखो आया हल्का सा मोड़ा फिर हल्का सा मोड़ा फिर हल्का सा मोड़ा, कितने होंगे तीन मोड, आया कि नहीं आया, प्लस है तो बोर्ड बनेगी बनेगी, नहीं आया है ना 100%, ये और ये लैग, ये और ये दोनों नहीं, ये और ये लो, ये और ये लैग एक दूसरे के विपरीत होंगी 100%, जैसे यहां ये दोनों एक दूसरे के विपरीत, कितने लोग सोच सकते हैं यहां वाई की वैल्यू पांच से बड़ी, पांच से बड़ी होती सारी पॉजिटिव, थ्री एक्स माइनस नाइन, हाँ है ना, इसकी वैल्यू बोलो वाई कर दो माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन, राइट है, बीच की वैल्यू तो अपन समय आएगा तो भर देंगे, यहां क्या हाल है, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बस शेष अब